हेलो, ओके, सो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन. नमस्कार सबको. दिस दर्शन खरे, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज के टॉपिक और आज का इंडेक्स क्या है उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं. मैं पहले उसको समझाना चाहूँगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गोइंग टू हैव अ रिविजन, देन डेफिनेशन ऑफ फेमस, जो हमारे बच्चे हैं. कल हमने फॉरेन करेंसी का डेफिनेशन एक देखा था, आज हम बचे हुए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को कवर करने वाले हैं. फिर फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन है, फॉरेन सिक्योरिटी का डेफिनेशन है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. और फिर कुछ मिसलेनियस छोटे मोटे डेफिनेशन है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, उनको मैंने बुक के अंदर दिया है, वो हम एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है. फिर इसके बाद में अगर समय बचता है तो विल गो फॉर द ऑथोराइज पर्सन, और उसके बाद में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, अगर समय बचता है तो. सो वी आर नॉट श्योर कि कितना समय बचेगा, दैट्स व्हाई. चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सोलिडेट करना अच्छे तरीके से. याद दिलाने वाली चीज जो सबका पता होनी चाहिए हमेशा की तरह, बी अपडेटेड एट vsmartacademy.com/darshan सर, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सोलिडेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कल हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं. सबसे पहले कल हमने जब शुरू किया था, दैट इज लॉ पढ़ना, सेकंड लेक्चर था हमारा कल का, तो मैंने कुछ बेसिक चीजों के साथ में शुरू किया था. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई हैव स्टार्टेड विद व्हाट इज लोल. लोल मीन्स लो ऑफ लैंड, अगर आपको याद होगा तो लॉ ऑफ लैंड. लॉ ऑफ लैंड के अंदर सबसे पहले हमने देखा था एक्ट. एक्ट ये बेरेटेक्स होता है जो पार्लियामेंट पास करता है. उसके बाद में सेकंड चीज जो आती है ऑर्डिनेंस, जो पार्लियामेंट पास नहीं करता है पर प्रेसिडेंट पास करता है. हालांकि देर आर बिग चांसेस कि थोड़े दिनों के अंदर वो पार्लियामेंट में पास हो जाएगा और वो लॉ बन जाएगा. क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिर उसके बाद में डिपार्टमेंट के सर्कुलर रूल्स और नोटिफिकेशंस, ठीक है. और फिर उसके बाद में हमने देखे थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केसेस, स्पेसिफिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर. और क्वेश्चन ऑफ लॉ का हमारा डिस्कशन काफी पेंडिंग था, जो हम फेमा के बाद में लेने वाले हैं. सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द लॉ. और कंटेंट ऑफ द लॉ में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था विद द हिस्ट्री, सॉरी विद द प्रीएम्बल. प्रीएम्बल के अंदर हम एक्सटेंट, स्कोप और कमेंसमेंट, ये तीन चीजें जानते हैं, शॉर्ट टाइटल भी. फिर उसके बाद में हमने देखा था कि डेफिनेशन, डेफिनेशन कवरेज वाइज दो पार्ट में डिवाइड होती है, मतलब कैटेगरी वाइज दो पार्ट में डिवाइड होती है. पहला होता है डेफिनेशन एज पर ड्राफ्टिंग, दूसरा होता है डेफिनेशन एज पर कवरेज. एज पर ड्राफ्टिंग डेफिनेशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्ट बेस्ड डेफिनेशन, सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन. एक्ट बेस्ड नॉर्मली सेक्शन टू में, या जिस जगह पे कॉमन डेफिनेशन होते हैं वो जगह पे, सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन में. फिर सब जन मेरे साथ साथ रिवाइज करो. फिर हमने देखा था कवरेज बेस्ड डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव इंक्लूसिव. एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ये बेसिकली स्टार्ट होती है विद द वर्ड मींस, एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन बेसिकली स्टार्ट्स विद द वर्ड इंक्लूड्स. इंक्लूसिव डेफिनेशन में दो चीजें होती है, एक होती है अजम्पशन, जो रैशनल मीनिंग है वो अज्यूम्ड है, और क्लैरिफिकेटरी मीनिंग हम इंक्लूड्स वर्ड से क्लैरिफाई करते हैं. कुछ याद आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज मैंने आपको मिल्क और एग्स का एग्जाम्पल दिया था कल, ये सो ना. ये चीज होने के बाद में हमने तीसरा वाला शुरू किया था, दैट इज चैप्टर्स. चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्शन, इनटू सबसेक्शन, इनटू क्लॉजेस, इनटू सब क्लॉजेस, एंड फिर उसके बाद में प्रोविजोस. प्रोविजोस प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड आल्सो फर्दर, फर्दर आल्सो दैट. देखा था हमने, कुछ याद आ रहा है? समझ में आया क्या? हाँ ना. तो फिर प्रोवाइडेड दैट दो चीजें बोल सकता है, एक तो एक्सेप्शन बोल सकता है या फिर प्रोवाइडेड दैट एक और चीज बोल सकता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह देना है. तो क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे, देखे थे एक्सेप्शन. एक्सेप्शन भी दो कैटेगरीज में, एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन, एग्रीकल्चरल इनकम, और फिर हमने देखा था एलटीसीजी, एसटीसीजी, सेक्शन बेस्ड एक्सेप्शन. फिर ये होने के बाद कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज, जिसके अंदर कॉन्ट्रावेंशन मतलब कोई भी टाइप का डिफॉल्ट करो, कोई भी इलीगल एक्टिविटी करो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करो, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रावेंशन. उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं नियरली चार. सबसे पहले लगते हैं डैमेजेस. डैमेजेस जाते हैं एग्रीड पार्टी को, फाइन जाता है गवर्नमेंट को, पेनल्टी के अंदर ये सब चीजें इंक्लूड होती है, तो अलग अलग जगह से बेसिकली गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं, और बंदा जाता है जेल में. लेकिन आपको ये सब चीजें पसंद नहीं आती तो आप इसके खिलाफ क्या कर सकते हो? अपील्स. क्या कर सकते हो बोलो एक बार? अपील. और ये अपील्स के लिए सेपरेट कोर्ट्स होते हैं हर लॉ के अंदर. कल मैंने इसके एग्जाम्पल दिए थे. ये चीज होने के बाद में हम सबसे आखिरी चीज देखे थे कि शेड्यूल्स और कंपनीज एक्ट के कुछ शेड्यूल का मैंने एग्जाम्पल दिया था. हालांकि आपको शेड्यूल के नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, एक चीज तुम्हारी मेरे को बिल्कुल भी नहीं आई, तू ठीक है, शेड्यूल्स के सातों शेड्यूल के नाम पता होने चाहिए है. लेकिन तुमको अगर सातों शेड्यूल के नाम है नहीं पता तो ये बहुत बुरी चीज है, अतु याद रखना जिंदगी के अंदर. ये सुनो, शेड्यूल्स हम देखने वाले हैं कंपनीज एक्ट जब हम शुरू करेंगे उस वक्त. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. ये चीज होने के बाद हम आगे बढ़े थे. अगली चीज हमने शुरू की थी हाउ टू स्टार्ट विद द लॉ. और लॉ स्टार्ट करने के लिए चार पैरामीटर्स बहुत जरूरी होते हैं. सबसे पहला पैरामीटर होता है हिस्ट्री.
हिस्ट्री ये आपको बताता है कौन से सिचुएशन में लॉ बनाया गया, लॉ बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी होती है लॉ के अंदर, दैट इज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो फेमा की आप ढूंढ के लाने वाले थे, एंड आई एम वेरी श्योर निकम्मे लोगों, नलायक को किसी ने नहीं ढूंढी होगी, घर पे बैठे हो क्वारंटीन के अंदर हैं, एंड तुमको बाकी नेट के ऊपर अजीबो गरीब चीजें सब सर्च कर ली होगी है, लेकिन नहीं, तुमने हिस्ट्री नहीं सर्च की होगी है। निकम्मो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मेरे को कल चाहिए। जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं, उसका ब्रेकअप हो जाएगा, याद रखना जिंदगी के अंदर, ठीक है ना। मतलब ऐसा मैं नहीं चाहता, बट तो धमकी देनी पड़ती है ना, हाँ है ना। सो और उसका एक्स उसके वाई के साथ भी भाग जाएगा, याद रखना। तुमको सबको अटेम्प्ट की कसम तुम्हारे, ठीक है, जो पहला अटेम्प्ट है उसकी, निकम्मो नलायको, ये चीज होने के बाद में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होने के बाद, मैं आपको एक और दिन दे रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए, अगर आपने ढूंढ के नहीं निकाला परमानेंटली मिस हो जाएगा, याद रखना। ये चीज होने के बाद में तीसरी चीज जो बहुत जरूरी होती है किसी भी लॉ के अंदर पढ़ने के पहले, दैट इज अथॉरिटी स्ट्रक्चर। कल हमने फेमा का अथॉरिटी स्ट्रक्चर देखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर सबसे पहले आता है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आरबीआई के नीचे ऑथोराइज पर्सन। और फिर उस साइड हमने देखा था कि भाई असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर, ये सुनो, ये सब लोग आते हैं। जो ऑर्डर पास करने का, यू विल गो टू फेमैट, फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, देन नहीं सॉरी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, फिर फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हालांकि फेमा में लिखा नहीं है, यह भी मैंने क्लैरिफाई किया था। अथॉरिटी स्ट्रक्चर के बाद वी हैव गॉन फॉर द चैप्टर स्ट्रक्चर। चैप्टर स्ट्रक्चर के अंदर हमने सबसे पहले देखा था प्रिलिमिनरी वाला एरिया जरूरी है, उसके बाद में ट्रांजैक्शंस वाला एरिया सेक्शन 3 से 9 जरूरी है, ऑथराइज पर्सन वाला 11 से 12 जरूरी है, पेनल्टीज वाला 13 से 15 थोड़ा बहुत जरूरी है, उसके बाद मिसलेनियस प्रोविजन है, वो इतने ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, पर हमें पढ़ने बहुत अच्छे से उसको, क्लियर है। फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था विद द फेमा का बेसिक कंसेप्ट, क्लियर है, जिसके अंदर मैंने वाटर टैंक का एग्जांपल दिया था। फेमा बनाने के पीछे का मेन मकसद था कि जो वाटर टैंक है गवर्नमेंट का एक्सचेकर, उस वाटर टैंक को हम फील्ड अप रखे, क्लियर है, कि उसके अंदर पानी भरा हुआ रहे, उसके अंदर जितना ज्यादा फंड रहेगा उतना ज्यादा गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए अच्छा होगा, ये हमने देखा था। दूसरी चीज जो फेमा के अंदर हमने देखी थी कि भाई ये वाटर टैंक के लिए चलो हमने फेमा बनाया है, पर इसका हिस्ट्री एज सच क्या है, तो 1947 में अंग्रेजों ने हमको पहला फेरा गिफ्ट किया था फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो बहुत रिजिड था, फिर 1973 में इंदिरा गांधी के राज में उन्होंने उसको चेंज किया और नेसेसिटी की चीज के लिए अलाउ किया, फिर नरसिम्हा राव के राज में आनी बाणी आ गई, सिचुएशन क्रिएट हो गई कि भैया हमारे पास फॉरन एक्सचेंज नहीं 1.1 बिलियन बचे थे, फिर हमने लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया, फिर हमने WTO के अंदर एंटर किया, हम चीजों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज्यादा तौर पे करना शुरू कर दिया, तो टर्नओवर बढ़ा। अल्टीमेटली अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में हमने नए WTO और लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के हिसाब से फेमा बनाया, ये मैनेजमेंट एक्ट है, वो रेगुलेशन एक्ट था। फिर उसके बाद में मनमोहन सिंह के सरकार में हमने देखा था $314 बिलियन का रिजर्व ये बनाया गया था, क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ ना। एक चीज होने के बाद हम देखा था फेरा और फेमा का डिफरेंस, फेरा इज अ क्रिमिनल, फेमा इज अ सिविल। फेरा में ट्रांजैक्शंस को नाम नहीं थे, फेमा में ट्रांजैक्शंस को नाम है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। फेरा में ट्रांजैक्शन इज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, जब तक परमिटेड नहीं है तब तक प्रोहिबिटेड है। फेमा में ट्रांजैक्शन इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, मतलब कोई ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में फेरा वॉज रिजिड, फेमा वॉज लिबरल। फेरा वॉज रिजिड रिगार्डिंग फॉरन एक्सचेंज, फेमा इज रिजिड रिगार्डिंग दिस क्लोज जर, याद है, फेमा इज रिजिड रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, जोर से बोलो एक बार, फेमा इज रिजिड रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, 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 याद रखना इस चीज को, फेमा इज रिजिड रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, जिंदगी मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी मत भूलना, फेमा इज रिजिड रिगार्डिंग डिस्क्लोजर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। अगली चीज, एक चीज होने के बाद में हमने देखा था कि फेमा के अंदर देर, फेरा के अंदर देर 81 सेक्शन, फेमा में सिर्फ 49 सेक्शन है, फेरा के अंदर 5 times पेनल्टी, फेमा के अंदर सिर्फ 3 times पेनल्टी था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको। फिर हमने देखा था फेमा का प्रियम्बल, शॉर्ट टाइटल क्या था, कैसे आया, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए आया, स्कोप क्या था। फिर हमने देखा था फेमा का अप्लीकेबिलिटी, फेमा 4 जगह पे अप्लीकेबल होता था, कुछ याद है, इंडियन पर्सन को इंडिया में तो अप्लाई होता ही था, इंडियन पर्सन फॉरेन भाग जावे तो वहां पे भी अप्लाई होता था, इंडियन पर्सन का अगर बाहर कोई ब्रांच ऑफिस एजेंसी है वहां पे भी होता था, और फॉरेन से कोई पर्सन अगर इंडिया में आ रहा है वहां पे भी होता था। ये चीज को हम फेमा अप्लीकेबल करते थे। ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे। अगली चीज हमने देखी थी फॉर डेफिनेशन, डेफिनेशन में पहला डेफिनेशन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी मीन्स अ करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। तो कितने ऐसे करेंसीज है बच्चों जो फॉरेन करेंसी माने जाते हैं, 145, जिसमें से कुवैतियन दिनार इज द कॉस्टलीस्ट करेंसी, एंड ओमानियन रियाल, राइट, ओमानियन रियाल ही था ना,
कि आई एम रॉन्ग. विच वॉज दैट वन? हाँ, इरानियन रियाल, माई मिस्टेक. इरानियन रियाल आर कंसिडर्ड टू बी द चीपेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड, और जो हमारी यूनिवर्सल करेंसी है डॉलर. एक बार वापस क्लैरिफाई कर दूं कि बेसिकली जितने भी करेंसीज दुनिया में हैं उन सबको फेमा में नहीं लिखा जाता. फेमा की सभी लिमिट्स डॉलर में होती है. आपको जिस कंट्री में वो ट्रांजेक्शन करना है एक्सचेंज रेट के हिसाब से उस दिन का वो ट्रांजेक्शन चेंज कर लेना. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? एक चीज को याद रखना, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से. आज हम फेमा के जा रहे हैं दूसरे डेफिनेशन के ऊपर. आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलो बहुत बढ़िया. ठीक है, मैं अभी पहले ही बता दूं कुछ डेफिनेशंस मैं यहां पे कवर कर रहा हूं जो पहले इंपॉर्टेंट है, फिर बुक में जो एडिशनल डेफिनेशन रखी है वो सिर्फ हमको पढ़नी है क्योंकि वो मिसलेनियस डेफिनेशंस का पार्ट है. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना? चलो आ जाइए बोर्ड के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में तमद में आना मुश्किल है. अभी जो मैं डेफिनेशन ले रहा हूं उस डेफिनेशन का नाम है फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन करेंसी तो हमने पढ़ लिया, करेंसी सीधा आप दे सकते हो, करेंसी इज ऑल्सो एक्सचेंज. करेंसी भी एक्सचेंज का फॉर्म ही होता है, पर एक्सचेंज के और भी फॉर्म्स हो सकते हैं. पैसे एक्सचेंज के और के भी फॉर्म हो सकते हैं, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, एक्सेट्रा. सो हम देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज, कितने तरीके से आप फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को ले सकते हो, फॉरेन में एक्सचेंज कर सकते हो. तो फॉरेन एक्सचेंज के डेफिनेशन दी है टू सबसेक्शन एन में, टू सबसेक्शन नंबर एन में. सो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स अ फॉरेन करेंसी इंक्लूड्स डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक और इंस्टीट्यूशन और पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी. इसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज. मैं चाहूंगा 10 सेकंड लो, डेफिनेशन को गुस्से से देखो, कुछ समझ में आ रहा है कि डिवाइड करनी है. देखो कोई भी डेफिनेशन याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है, डेफिनेशन को डिवाइड कीजिए. जितने पार्ट्स में आप डेफिनेशन को डिवाइड करोगे उतने जल्दी याद होगा. तो कीजिए, ट्राई करो, खुद होके ट्राई करो कि हो रहा है क्या. गो फॉर इट फास्ट. पढ़ लिया सबने डेफिनेशन? अब मैं जरा इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, देखते हैं जमता है या नहीं जमता है. ठीक है, पहले थोड़ा बैठ जाता हूं जिंदगी में. ओके, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल चौबल तो समझ में आएगा. आर यू रेडी? लेट्स गो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, थोड़ा स्कोप में, कवरेज में आ जाओ. ओके, लेट्स गो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, फेमा की ये जो डेफिनेशन है, अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो आ जाइए. सबसे पहले उन्होंने बोला है फॉरेन एक्सचेंज मीन्स अ फॉरेन करेंसी. ओ माय द गॉड्स, बताइए एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है? तो ये वाला पोर्शन है पोर्शन नंबर वन जो है एग्जॉस्टिव. हमने एग्जॉस्टिव डेफिनेशन पढ़ा था ना? हाँ, ना मतलब फॉरेन एक्सचेंज मीन फॉरेन करेंसी, गेम ओवर, इतना ही है. एंड इंक्लूड्स, ओ माय द गॉड्स, ओ माय द गॉड्स, कि भाई कुछ क्लैरिफाई भी किए जा रहे हैं ये तो. अब के क्लैरिफाई कर रहे हो चिचा? क्या क्लैरिफाई कर रहे हो? क्लैरिफाई ये करना चाहते हैं एनी डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंस पेबल इन द फॉरेन करेंसी. यह है पार्ट नंबर टू. कोई भी डिपॉजिट, कोई भी क्रेडिट, आपका सीसी अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आपने ओवरड्राफ्ट कर लिया, क्रेडिट. बैलेंस पेबल, पैसा देना बाकी है.
या एनी इन एनी फॉरेन करेंसी, कोई भी डिपॉजिट है, क्रेडिट है, बैलेंस पेबल है इन एनी फॉरेन करेंसी इज ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना. फिर उसके बाद में चीचा और क्या बोल रहे हैं, चीचा ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी, एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी. ला 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 ला. यह तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, कोई भी ड्राफ्ट, कोई भी ट्रेवलर्स चेक, कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज. इतने पार्ट्स तो हमने सोचे भी नहीं और आ रहा है, लास्ट पार्ट बाकी है. और उसके बाद में चौथा पार्ट जो आता है, एनी ड्राफ्ट और ट्रेवलर्स चेक और लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक और द इंस्टीट्यूशन और अ पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी पॉइंट पर. सर सर टाटा टाटा सिर से गया सर. नलायक को ध्यान दो, निगम्मो अच्छे से ध्यान देना, सब समझ में आएगा, डरने की जरूरत नहीं है, भाई अभी जिंदा है. ठीक है, लेट्स गो. सो सबसे पहली बात, डिविजन एंड रूल. अंग्रेजों का ये रूल था, अंग्रेजों ने ही हमको लॉ बनाना सिखाया तो उन्हीं का रूल यूज करेंगे, डिविजन एंड रूल. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स अ फॉरेन करेंसी. भैया एक्सचेंज करना मतलब पैसा इधर उधर करना, पैसा इधर उधर करना तो मनी से बेटर ऑप्शन का है, सो फॉरेन करेंसी पहला ही पार्ट आ गया. एंड इंक्लूड्स मतलब नीचे का जो ये पूरा पैराग्राफ आपको दिख रहा है भैया, ये डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये क्लेरिफिकेशन है. ये क्या है बोले एक बार, क्लेरिफिकेशन है. जिसके अंदर बोला है डिपॉजिट क्रेडिट एंड बैलेंस पेबल इन द फॉरेन करेंसी, कोई भी डिपॉजिट, कोई भी क्रेडिट, कोई भी बैलेंस पेबल जो फॉरेन करेंसी में है. मैंने ओवरड्राफ्ट सीसी कर लिया, फॉरेन करेंसी में ओवरड्राफ्ट है, ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज है क्योंकि उससे मेरे को फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हो रहा है. मैं अगर किसी को देने वाला हूं पैसा, देना बाकी है तो भी फॉरेन एक्सचेंज है. किसी ने मेरे को देके रखा है और मेरा डिपॉजिट है, या मैंने किसी को पैसा देकर रखा है और डिपॉजिट करके रखा है, फॉरेन एक्सचेंज ही है. अगर ये फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो रुपीज में दिया, हाँ ना ना बिल्कुल नहीं ना. तीसरा पार्ट है, कोई भी बोले ड्राफ्ट, अगर तुम्हें नहीं पता होगा कोई भी ड्राफ्ट, सर ड्राफ्ट मतलब बेटा डीडी, डिमांड ड्राफ्ट. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ट्रेवलर चेक, सर व्हाट इज ट्रेवलर चेक, मैं आपको मतलब जेन्युइनली बताऊ, जेन्युइनली मतलब दिल से. ट्रेवलर्स चेक इज क्वाइट आउटडेटेड कंसेप्ट, मतलब दिल से एकदम ऐसे यहां से निकल के आया. ट्रेवलर्स चेक इज आउटडेटेड कंसेप्ट सर, क्यों? क्योंकि बेटा ट्रेवलर्स चेक ये पहले हुआ करता था, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, आजकल तो लोग रेयरली चेक यूज करते हैं. बहुत बड़ा अमाउंट देना है, एनईएफटी के लिमिट, आईएमपीएस के लिमिट अबव 10-12-15 लाख से ज्यादा, तो फिर वो यूज करते हैं चेक. तो आपको पता है ट्रेवलर्स चेक क्या होता था? ट्रेवलर्स चेक इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसके ऊपर डॉलर में लिखी जाती थी एक अमाउंट, समझो 10,000, और फिर उसके ऊपर लिखे जाता था कि कितने कंट्रीज के करेंसीज में ये चेक इनकैश हो सकता है, कितने कंट्रीज के करेंसी में चेक इनकैश हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्कवरी चैनल वाला हूं, बेयर ग्रिल्स, वो बेयर ग्रिल्स पता है ना जो हर सजीव चीज को खा सकता है, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला, इतना वाइल्ड है कि जो रस्ते में आए उसको भी खा जावे. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना. तो बेयर ग्रिल्स जो था, ठीक है, मुझे बहुत वो है उसकी कमेंट्री सुनी होंगे, ये खाई काफी बड़ी है, मुझे इसके अंदर कूदना चाहिए. हाँ सुनो. सो बेसिकली देखा जाए तो बेयर ग्रिल्स ये समझो अभी 4 राष्ट्रों में घूमने वाला है, वो चाइना में जाने वाला है, वो यूरोप में जाने वाला है, यूएस में तो जाने ही वाला है, और वो ब्रिटिश के यहां पे सेपरेटली जाने वाला है, ऐसे 4-5 राष्ट्रों में जाने वाला है. अब वो हर बार खुद के लिए, ये पुराने जमाने का समय है, उस वक्त डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं था ऐसा समझना, तो अब वो फॉरेन करेंसी सबके लिए अलग अलग थोड़ी कैरी करेगा, कि नहीं भाई यूरो अलग कैरी किया, येन अलग कैरी किया, उसमें भी फॉरेन करेंसी हार्ड कैश थोड़ी कैरी करेगा. हार्ड कैश कैरी करेगा चोरी करने के, चोरी होने की संभावना, उसके अंदर भी वो ऐसी ऐसी जगह पे जाके रहता है कि भाई भगवान ही मालिक है उसका. तो ऐसे सिचुएशन में बेयर ग्रिल्स बोलता है मैं कैश कैरी नहीं करूंगा, वो एक चेक कैरी करता है जिसे कहते हैं ट्रैवलर्स चेक, जिसके अंदर वो $10,000 का अमाउंट लेके आएगा. मतलब मुझे अगर 4 राष्ट्र घूमने हैं तो मैं क्या करूंगा, $10,000 जितना सफिशियंट अमाउंट मैं मेरे HDFC बैंक को दूंगा, उनको बोलूंगा मुझे ट्रेवलर्स चेक इशू करे $10,000 का. ठीक है, मैं $10,000 का ट्रेवल चेक लूंगा और मैं ये 4 कंट्रीज के अंदर घूमूंगा, और ये $10,000 का ट्रेवलर्स चेक मैं अलग अलग कंट्रीज में इसको रिडीम कर सकता हूं उस कंट्री के करेंसी में. सो अगर मैं ये $10,000 को लेकर चाइना में चला गया, वैसे चाइना में नहीं जाना चाहिए अभी,
कोरोना। एनीवेज, सो चाइना में अगर मैं चला गया तो ऐसे सिचुएशन में चाइनीज येन में मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अब कोई भी जाते वक्त ट्रैवलर्स चेक ऐसे सिर्फ एक 10,000 डॉलर का नहीं लेके जाता, ये 500-500 1,000-1,000 डॉलर के पार्ट में डिवाइड करके ट्रैवलर्स चेक लेके जाते हैं, जिससे ट्रैवलिंग काफी आसान हो जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? सो ट्रैवलर्स चेक इज क्वाइट आउटडेटेड कंसेप्ट, क्लियर है। अभी इसके जगह पे ट्रैवलर्स कार्ड आया है, आपने शायद दीपिका पदुकोण का, हाँ आपने शायद दीपिका पदुकोण का, अगर आपने एक्सिस बैंक वाला ऐड देखा होगा तो उन्होंने ट्रेवलर्स कार्ड का ऐड किया था दीपिका पदुकोण ने, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग करेंसीज के डिनोमिनेशंस भी दिखाए थे और बोले थे कि आप इसको लेके जा सकते हो। सो अभी अगर आप बैंक को पैसा दोगे तो वो आपको ट्रेवलर्स चेक नहीं देंगे, वो आपको ट्रेवलर्स कार्ड देंगे बच्चों। क्या देंगे? ट्रेवलर्स कार्ड। बैंक को आपने पैसा देना है, वो पैसा वो डॉलर में कन्वर्ट करके एक कार्ड में आपको दे देंगे। दिस कार्ड वर्क लाइक अ डेबिट कार्ड। फिर आप अगर चाइना में जाओ और वो डेबिट कार्ड एटीएम मशीन में डालो तो येन बाहर आएंगे, अगर आप ब्रिटिश में जाओ तो पाउंड बाहर आएंगे, यूएस में जाओ तो डॉलर ही बाहर आएंगे, अगर आप किसी और कंट्री में चले जाओ यूरोप में तो यूरोज बाहर आ जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसे हम कहते हैं ट्रेवलर्स कार्ड। आजकल ये ट्रेवलर्स चेक आउट ऑफ चुका है, रिप्लेस बाय ट्रेवलर्स कार्ड। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट एलओसी पता ही होगा, अगर ये नहीं पता होगा तो निकल लीजिए, ठीक है। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी नहीं पता होगा तो मतलब सीपीटी ऑप्शन नहीं है बेटा जिंदगी में, सीपीटी। फिर उसके बाद में एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, जो इंडियन करेंसी में एक्सप्रेस या ड्रॉ किया गया है पर फॉरेन करेंसी में पेएबल है, इसको भी हम फॉरेन एक्सचेंज मानते हैं। दूसरा, अगेन अब रिपीट वाला सेंटेंस आएगा यहां से, ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक और इंस्टीट्यूशन और पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी। देखो सिंपल है, पहला फॉरेन एक्सचेंज मीन फॉरेन करेंसी पार्ट वन, दूसरा कोई भी डिपॉजिट क्रेडिट या बैलेंस पेबल फॉरेन करेंसी में होना चाहिए पार्ट टू, फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ये ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट बिल ऑफ एक्सचेंज को हम इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इंडियन करेंसी में डिनोमिनेटेड है पर फॉरेन करेंसी में पेबल है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो फॉरेन करेंसी या फॉरेन पर्सन ने निकाला है बट इंडियन करेंसी में पेबल है, हम इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। सर आप ट्राई तो बहुत जोर से कर रहे हो पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसे सर ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर क्या करे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आ जाएगा। बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से, ठीक है। यहां एक एनालिसिस आएगा, कौन सी चीज को हमने फॉरेन एक्सचेंज मानना चाहिए ये हम यहां पे देखेंगे, ये स्पेसिफिकली ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। पहले दो तो क्लियर होंगे, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, इसमें तो एनालिसिस है ही नहीं। इंक्लूड्स डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में बैंक में मेरा अगर डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है 25,000 डॉलर का तो फॉरेन एक्सचेंज है, क्लियर है। सो किसी ने मेरे को क्रेडिट दिया है 20,000 डॉलर का तो फॉरेन एक्सचेंज है, ये भी क्लियर है। फिर ये जो दो है इनके लिए मैं सिर्फ एनालिसिस ले रहा हूं, पार्ट नंबर थ्री एंड पार्ट नंबर फोर बड़े अच्छे से बोर्ड पर ध्यान देना, समझ में जरूर आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा, आना ही चाहिए। लेट्स गो। केस नंबर वन ले रहा हूं, एक्सप्रेस और ड्रॉन कौन से करेंसी में, पेबल कौन से करेंसी में, स्टेटस क्या होगा। समझो अगर मैं बोलता हूं कोई भी फॉरेन एक्सचेंज है विच इज एक्सप्रेस और ड्रॉन इन रुपए, पेबल इन ऑल्सो रुपए, तो क्या ये फॉरेन करेंसी होगा? होगा, बोलो होगा क्या? नहीं होगा, इट इज नॉट फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि इसमें कहीं डॉलर का रेफरेंस ही नहीं है, डॉलर। फिर एक्सप्रेस्ड आर ड्रॉन इन रुपीज बट पेबल इन डॉलर, बताओ ये फॉरेन एक्सचेंज होगा क्या? यस इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज। कौन से पार्ट के हिसाब से बच्चों? पार्ट नंबर थ्री, एक्सप्रेस्ड आर ड्रॉन इन रुपी बट पेबल इन द फॉरेन करेंसी। देखिए एक्सप्रेस ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन द फॉरेन करेंसी, क्लियर है आंसर। केस नंबर थ्री, एक्सप्रेस्ड आर ड्रॉन इन डॉलर बट पेबल इन रुपीज, क्या ये फॉरेन एक्सचेंज है? बिल्कुल है। ये कौन से पार्ट के हिसाब से? पार्ट नंबर फोर। और चौथा, एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन डॉलर पेबल इन डॉलर, क्या ये फॉरेन एक्सचेंज है? ये तो जरूर है क्योंकि ये डॉलर में इंक्लूड किया है और ये टेंटेटिवली थोड़ा सा पार्ट टू से सिमिलर है, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं मैं, ये पार्ट टू से सिमिलर है क्योंकि पार्ट टू में थोड़ा इसका कवरेज आता है। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपने डॉलर में ड्रॉ किया है और डॉलर में पेबल है मतलब दैट इज अ बैलेंस पेबल, तो बैलेंस पेबल तो ऑलरेडी फॉरेन करेंसी का हम कवर कर रहे हैं,
तुमने अगर फॉरेन करेंसी में किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी, पेबल इन फॉरेन करेंसी, वो तो बैलेंस पेबल है ना, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। और डिपॉजिट है अगर किसी के यहां पे फॉरेन करेंसी में, आने वापस वाला है फॉरेन करेंसी में, मैंने बाहर के बैंक के अंदर स्विस बैंक में मेरा अकाउंट है हाउ, जिसके अंदर मैंने $50,000 रखे है, अब वो आएंगे भी डॉलर में ही ना, तो ऐसे सिचुएशन में फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर है, समझ में आया पक्का? मैं चाहूंगा ये सब मार्किंग्स कर लीजिए। मैं जब पढ़ाता हूं तो लिखना नहीं, जब मेरा पढ़ाना खत्म हो जाता है तो मैं समय देता हूं, ये गलती मत करना जिंदगी में, ठीक है? गो फॉर इट, राइट इट डाउन। जालका डन, चलो हो गया सबका मार्किंग्स? नहीं हुआ तो प्लीज रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए और फिर वापस से लिखिए, क्योंकि
यू नो, ठीक है आगे चलो अगली चीज के ऊपर जाते हैं, कॉन्सोलेट करना अच्छे तरीके से। यहां फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का डेफिनेशन खत्म हुआ, एक बार प्लीज मुझे पूरा डेफिनेशन वापस बोलिए। सबसे पहला फॉरेन एक्सचेंज मींस पार्ट नंबर वन फॉरेन करेंसी, पार्ट नंबर टू एंड इंक्लूड्स क्या डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेबल इन द फॉरेन करेंसी, पार्ट नंबर थ्री ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट बिल ऑफ एक्सचेंज। बोलो मेरे साथ बोलो नलायक को बोलो, ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज drawn by any bank or institution outside India but payable in Indian currency। कुछ समझ में आया क्या? ठीक है चलो आज बढ़ते हैं आगे अगले वाले definition के ऊपर। ठीक है foreign security, what do you mean by foreign security? टू subsection number O, foreign exchange का क्या था? अच्छा foreign currency का क्या था? 2M, M for money, money means currency, foreign exchange 2N, exchange, so 2N, foreign security 2O, foreign security, clear concept? So start करते हैं ध्यान देना, foreign security means any security in the form of share, stocks, bonds, debenture or any other instrument denominated or expressed in the foreign currency and includes securities expressed in foreign currency but where redemption or any form of return such as interest or dividend is payable in Indian currency। मैं आपको वापस 10 सेकंड देता हूं, गुस्से से देखिए, इतना गुस्से से देखिए कि ये आपके जहन में बैठ जाए। चलो पढ़ लिया सबने, बहुत बढ़िया। ठीक है अब पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, इसको पहले डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का, हाउ डिवाइड एंड रूल। फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी। हे भगवान, पहला ही पार्ट इतना लंबा है, आगे क्या होगा? कोई बात नहीं। फॉरेन सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ले लिए, स्टॉक्स मतलब शेयर्स का फॉर्म ही हुआ, आपको तो पता होगा स्टॉक, बॉन्ड्स स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं ना हम, बॉन्ड्स डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट भी बोला है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलेगा बोले, मतलब कोई भी सिक्योरिटी चलेगा। डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, जो कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड एक्सप्रेस है? फॉरेन करेंसी। मतलब सिंपली पार्ट वन का मतबल, पार्ट वन का मतबल, मतबल पता है ना सबको, पार्ट वन का, इधर नीचू लिखता हूं, पार्ट वन का मतबल है, पार्ट वन मींस कि भाई एनी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहूंगा, एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज डिनोमिनेटेड इन डॉलर इज अ फॉरेन सिक्योरिटी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट डॉलर में डिनोमिनेटेड है, शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स डिबेंचर है, उसे हम फॉरेन सिक्योरिटी बोल देंगे। आ, 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 आ. आ, 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 समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में दूसरा, एंड इंक्लूड्स एनी सिक्योरिटीज एक्सप्रेस्ड इन अ फॉरेन करेंसी बट वेयर रिडम्शन और एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड पेबल इन इंडियन करेंसी। यह है पार्ट नंबर टू। सर दो ही पार्ट है डेफिनेशन? हाँ बेटा, के करे। सो पहला पार्ट है मीन्स एग्जॉस्टिव, दूसरा पार्ट है इंक्लूड्स, इंक्लूसिव मतलब क्लैरिफिकेशन। तो बोले फॉरेन सिक्योरिटी मतलब जो इंस्ट्रूमेंट डॉलर में डिनोमिनेटेड है फॉरेन सिक्योरिटी है, चलो माना। आगे क्या बोला है? इंक्लूड्स सिक्योरिटी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, सिक्योरिटी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, सिक्योरिटी एक्सप्रेस। हाँ हाय हाय, ये क्या चल रहा है? पहले पार्ट में भी तो यही बोला था कि एनी सिक्योरिटी और इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी इज अ फॉरेन सिक्योरिटी, और दूसरे पार्ट की स्टार्टिंग भी वही बोल रही है एनी सिक्योरिटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी। हाय हाय, क्या चल रहा है जिंदगी में? ये इसका मतलब यह है कि भैया जो तुम्हारा पार्ट टू है वो पार्ट वन से ही बाहर निकल रहा है,
पार्ट टू इज नथिंग बट वन ऑफ द पार्ट ऑफ पार्ट वन, जिसमें यह बोला है कि भाई कोई भी सिक्योरिटी रहे अगर वो डॉलर में डिनोमिनेटेड है. आगे पढ़ते हैं फॉरेन करेंसी, बट रिडम्शन, रिडम्शन वापस करना, और एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न, रिटर्न डिविडेंड. इंसान सिक्योरिटी में इन्वेस्ट क्यों करता है? रिटर्न के लिए. ठीक है, सो एन्युअल रिटर्न, मम्मी रिटर्न नहीं, निकम रिटर्न, इनकम. सो एनी फॉर्म ऑफ रिटर्मशन और रिटर्न सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड, रिडम्शन और रिटर्न, इंटरेस्ट और डिविडेंड इज पेबल इन इंडियन करेंसी. मतलब भैया सिक्योरिटी एक्सप्रेस इन डॉलर, बट रिडम्शन या फिर रिटर्न इज इन कौन सा? इंडियन करेंसी रूपी. तो क्लैरिफिकेशन है, वाह वाह क्या बात है, नई चीज समझ में आई जिंदगी के अंदर. देखना इसके लिए एक बड़ा सही डाला लॉजिकल वाला डायग्राम ड्रॉ करता हूं, लॉजिकल छोटा सा, एकदम लिटिल लिटिल, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ वाला, एकदम लिटिल वाला डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. बड़े अच्छे से ध्यान देना बच्चों, देखना. सबसे पहले समझिए, सबसे पहले एनी सिक्योरिटी विच इज डिनोमिनेटेड इन डॉलर इज अ फॉरेन सिक्योरिटी. पर फिर इसमें दो पार्ट होंगे. पहला पार्ट, चलो भैया एनी सिक्योरिटी विच इज डिनोमिनेटेड इन डॉलर इज अ फॉरेन सिक्योरिटी, पर जिसका रिडम्शन आर आर, रिडम्शन और रिटर्न, रिडम्शन और रिटर्न इज इन डॉलर, ये तो बोले फॉरेन सिक्योरिटी है ही. अरे ये तो भैया है ही, ये तो अजूम्ड है, अजूम्ड, ये तो अजूम्ड है कि भाई रिडम्शन रिटर्न भी डॉलर में है, सिक्योरिटी भी डॉलर में डिनोमिनेट किया, तो फॉरेन सिक्योरिटी तो है ही नहीं, इसमें क्या पूछने की बात है चिचा. लेकिन अगर कोई भी सिक्योरिटी है जो डिनोमिनेटेड है डॉलर में, बट वेयर रिडम्शन और एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न इज इन द रूपीज, इसमें दिक्कत है. जिसका रिडम्शन रिटर्न डॉलर में है वो तो अजूम्ड है फॉरेन सिक्योरिटी है, लेकिन जिसका रिडम्शन और रिटर्न रुपीज में है वो तो क्लैरिफिकेशन, वो तो भैया बिवल्डर्ड हो गया ना. चिचा ने पढ़ा क्या है भैया ये? चिचा बोले कि भाई ये तो भैया डिनोमिनेटेड इन डॉलर है बट रिडम्शन रिटर्न रुपी में लिखा, क्या हम इसको फॉरेन सिक्योरिटी माने? चिचा को क्लैरिफिकेशन चाहिए. तो चिचा इन्होंने क्लैरिफाई किया है पार्ट टू में कि भाई हां ये भी फॉरेन सिक्योरिटी है, क्लैरिफाइड. Are you understanding what I am saying? मतलब part 2 या part 1 से ही निकला है. This is part 1, this is part 1 and this is part 2. ये तो assumed है, ये वाला क्या है? Assumed है. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Concept समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पहली बात तो ये markings कर लो, और ये chart जो है छोटा सा वो side में लिख लो, मैं एक notes के column में फटाफट, ठीक है? Go for it fast. फिर analysis लेंगे. Analysis हुआ नहीं है, just wait. चलो डन, मार्किंग कर लिया बच्चों, जिसका हुआ है पॉज कर लीजिए, मार्किंग कर लीजिए, पॉज करके मार्किंग कर लीजिए जिसका हुआ रह गया है, ठीक है? क्योंकि मेरे को ये चार्ट छोटा सा मिटाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई. चाहिए तो अभी भी पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, फिर देखना, ठीक है? चलो, सो अब मेरे को मेनू, मेनू ये चार्ट इरेज करना है, सो मेनू इसको इरेज कर देना है. लेट्स गो. सो अब पूरा ध्यान बोर्ड पे, वी आर गोइंग फॉर एनालिसिस बच्चों, ठीक है? अब एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बोर्ड पे ध्यान देना. सिर्फ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट के लिए केसेस हम ले रहे हैं
आठ, क्योंकि उतने परम्यूटेशन भरेंगे। एक्सप्रेस्ड और डिनोमिनेटेड कौन से करेंसी में, रिडम्पशन कौन से करेंसी में, रिटर्न कौन से करेंसी में, ये सब चीजें हमें जाननी है। ठीक है, बड़ा अच्छे से ध्यान देना। केस वन, एक्सप्रेस्ड और डिनोमिनेटेड इन डॉलर, रिडम्पशन इन डॉलर, रिटर्न इन डॉलर, क्या ये फॉरेन सिक्योरिटी है? आंसर इज यस, पार्ट नंबर वन के हिसाब से है, जरूर है। एक्सप्रेस्ड और डिनोमिनेटेड इन डॉलर, रिडम्पशन इन रूपी, रिटर्न इन डॉलर, क्या ये फॉरेन सिक्योरिटी है? हाँ है, पार्ट नंबर टू के हिसाब से, बिकॉज एनी काइंड ऑफ रिडम्पशन और रिटर्न इन रुपीज रहा तो भी चलेगा। एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन डॉलर चाहिए जो कंप्लाई हो रहा है। आने दो, आने दो, धूप आने दो, टेलीपैथी समझ में आ रहा क्या? बोलो जोर से, हाँ मेरे को सुनाई देगा? बहुत बढ़िया, शानदार। एक्सप्रेस्ड और डिनोमिनेटेड इन डॉलर, रिडम्पशन इन डॉलर, रिटर्न इन रूपी, बोलो बोलो, अब तुम बोलो, जवाब दो, सुनना है। हाँ, इट इज अ फॉरेन सिक्योरिटी, शानदार। पार्ट नंबर कौन के हिसाब से? टू, शानदार, जबरदस्त। देखो तुम बोल रहे हो, मेरे को टाइम एंड स्पेस तोड़ते हुए सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? अगला, एक्सप्रेस्ड और डिनोमिनेटेड इन डॉलर, रिडम्पशन इन रूपी एंड रिटर्न ऑल्सो इन रूपी, अब बोलो निकम्मो। डिनोमिनेटेड इन डॉलर, एक्सप्रेस्ड इन रूपी, रिडम्पशन इन रूपी एंड रिटर्न ऑल्सो इन रूपी, डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन डॉलर, बताइए क्या होगा? फॉरेन सिक्योरिटी होगा, नहीं होगा, क्या होगा? सो हाँ, ये भी फॉरेन सिक्योरिटी है एज पर पार्ट नंबर टू। दोनों भी तो रह सकते हैं, रिडम्पशन और रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, केस नंबर फाइव, डिनोमिनेटेड इन रूपी, रिडम्पशन इन डॉलर, रिटर्न इन डॉलर, क्या फॉरेन सिक्योरिटी है? है, है। पार्ट वन बोलता है इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, पार्ट टू भी बोलता है इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, कोई पार्ट ये नहीं बोलता कि इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन रूपी। तो मेरे हिसाब से और डेफिनेशन के हिसाब से तो ये फॉरेन सिक्योरिटी नहीं है, किसी पार्ट में नहीं फंस रहा। दूसरा, डिनोमिनेटेड इन रूपी, एक्सप्रेस्ड इन डॉलर, सॉरी, रिडम्पशन इन डॉलर, रिटर्न इन रूपी, ऑब्वियसली एक्सप्रेस्ड इन रूपी नहीं है, मतलब ये भी फॉरेन सिक्योरिटी नहीं है। डिनोमिनेटेड इन रूपी, रिडम्पशन इन रूपी, रिटर्न इन डॉलर, ये भी एक्सप्रेस्ड इन रूपी है, ये भी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी नहीं है, ये भी फॉरेन सिक्योरिटी नहीं है। डिनोमिनेटेड इन रूपी, रिडम्पशन इन रूपी, रिटर्न इन रूपी है, भगवान, कैसे फॉरेन सिक्योरिटी हो सकता है? कैसे होगा? सो दिस इज नॉट ऑल्सो फॉरेन सिक्योरिटी। सिंपल सा मतलब है बच्चों, ये पूरा एनालिसिस पर से एक चीज आपको बहुत सिंपली समझ में आएगी, वो ये है कि भैया पहला वाला ऊपर का एरिया अगर डॉलर में डिनोमिनेटेड है, एक्सप्रेस्ड है, तो सिंपल लैंग्वेज में फॉरेन सिक्योरिटी है। आप देखना रुपीज में जहां पे भी एक्सप्रेस्ड है वो फॉरेन सिक्योरिटी नहीं है, नहीं है, ना ही हो सकती है, ना थी, ना है, ना हो सकती है। बोलो बोलो, सिग्नल भेजते हैं ना, भेजो। अब बहुत बढ़िया सुनाई दे रहा है मेरे को, शानदार, लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन एवरीबडी। अच्छा सो यहाँ पे फॉरेन सिक्योरिटी का डेफिनेशन होता है खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो अगले हम डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं एंड नेक्स्ट का डेफिनेशन इज। अच्छा हाँ, ये जरूर होगा कि अभी आपको लिखने के लिए परेशानी हो रही होगी क्योंकि आप क्वारंटीन में हो और आपके पास फिजिकल कॉपीज नहीं है, तो आपने दो चीजें करनी है। रजिस्टर में तो इन चार्ट्स को लिखना ही लिखना है, साथ में आपने इनके पिक्स निकाल के रखना है। सो डाउन द लाइन कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको लिखना है तो वापस पिक्स देख के आप इन चीजों को ठीक कर सकते हो। सो मैक्सिमम चीजों के फोटोज निकाल के रखना, जब आपके पास हार्ड कॉपीज बुक्स आ जाएंगे तो उस वक्त यू कैन राइट डम डाउन, क्लियर है। लेकिन ये आपके पीडीएफ नोट्स वगैरह में आपको दिख जाएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इतने क्रिएटिव है कि पीडीएफ नोट्स के ऊपर भी लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी क्रिएटिविटी जरूर लगाए, ठीक है। चलो बाकी भी चीज़ों में आप क्रिएटिविटी लगाते हो, टीचर के ऊपर मेम बनाने में क्रिएटिविटी लगाते हो नलायक को, हाँ है ना, तो इतनी क्रिएटिविटी तो लगा ही लोगे, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं, मेम बनाते हैं टीचर के ऊपर, शर्म नहीं आती नलायक बच्चों को, आगे चलो। नेक्स्ट चीज के ऊपर हम जा रहे हैं पर्सन, टू सबसेक्शन नंबर यू, ठीक है। पर्सन का डेफिनेशन यूनिवर्सल वाली एक ही है लेकिन हर एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन अलग अलग होती है, ठीक है। अब पर्सन की यूनिवर्सल डेफिनेशन कौन सी है, ये वाली नहीं, फेमा की नहीं, यूनिवर्सल डेफिनेशन कौन सी है वो मैं पहले बता दूं, ठीक है। मेरे साथ साथ में एक्शन करना, मैंने आपको बोला था क्लास के स्टार्टिंग में ही कि अगर आप मेरे साथ एक्शन करोगे तो पूरा लॉ याद हो जाएगा, एक्शन नहीं करोगे तो लॉ याद नहीं होगा। तुम्हारे साथ एक्शन करो, उंगली दिखाओ, उंगली ये वाली पहली उंगली, निकम्मो नलायको, हाँ इंडिविजुअल बोलो, इंडिविजुअल बोलो, इंडिविजुअल सुनाई दे रहा है मेरे को, हाँ शाबाश। एच यू एफ, एक इंडिविजुअल एक उंगली इंडिविजुअल, तो पूरी मुट्ठी एच यू एफ, क्लियर कॉन्सेप्ट। सो इंडिविजुअल एच यू एफ, सब जन करो इंडिविजुअल एच यू एफ, दो मुठ्ठियां साथ में आ गई, दो लोग साथ में आ गए फर्म, दो लोग साथ में आ जाएंगे तो क्या फर्म, ठीक है। फिर एओपी, एओपी क्लियर है, गंदे गंदे इशारे मत करो, सोफिस्टिकेटेडली करो जरा, इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म एओपी, क्लियर है। बीओआई बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी है ना, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, सो इंडिविजुअल इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म एओपी बीओआई, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, एओपी बीओआई एक ही इसमें, सो तीन हो गए, इंडिविजुअल एक हुआ, एच यू एफ दूसरा हुआ, फर्म तीसरा हुआ और एओपी बीओआई चौथा हुआ, चार हो गए, तीन नहीं चार हो गए, क्लियर है कंसेप्ट। फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पर्सन को हम ऐसे सिग्निफाई करते हैं, पर्सन ऊपर से शर्ट आर्टिफिशियल है, आपका भी शर्ट आपकी भी कपड़े आर्टिफिशियल होंगे, ऐसे नेचुरल तो नहीं होंगे, किसी का है पतंजलि शर्ट या पतंजलि कपड़े, ये सुनो। सो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एक बार वापस से, इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, क्लियर है कंसेप्ट, हो गए पांच। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में ही प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी सभी टाइप की कंपनीज और कॉर्पोरेशन से एजेपी में आता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में एलएलपी भी ये एजेपी में आएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। फिर उसके बाद में लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सर ऐसा क्यों किया लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आज तक तुम्हें जिंदगी में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट समझ में आए हैं, बिल्कुल नहीं, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग लोन पे करने के लिए जा रहे थे, विजय माल्या बीच में वापस आया था एसबीआई बैंक में गया, बोले मेरे को लोन पे करना है, बैंक वालों ने बोल दिया अभी लंच ब्रेक चल रहा है बाद में आना, समझ में आ रहा है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट समझ में नहीं आते, दिल में जरूर आते पर समझ में नहीं आते, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यस ना, लोकल अथॉरिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन समझ में नहीं आते। सो एक बार वापस से सब जन करेंगे, जो नहीं करेगा पता है फिर तुमको, इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, समझ में आया क्या, समझ में आया चीचा, समझ में आया क्या, समझ में आया पक्का, तो ये चीज को याद रखना, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन हुई। लेकिन अच्छा, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन अगर आपको पसंद आई है तो पहले जो 30 पेजेस आपने ब्लैंक रखे हैं, 30 पेजेस पहले ब्लैंक रखे उसमें जो इमीडिएट जगह स्टार्टिंग में जो इमीडिएट जगह लिखने के लिए अवेलेबल होगी, हमने ऑलरेडी कुछ उस जगह पे लिखा है फर्स्ट पेज पे, उसके नीचे आप ये पर्सन के यूनिवर्सल डेफिनेशन लिख सकते हो, याद करके लिखना, मैं लिख के नहीं देने वाला। वापस एक बार कर रहे थे, इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म एओपी बीओआई चौथा, एओपी बीओआई फोर्थ पॉइंट में टुगेदर है, इंडिविजुअल फर्स्ट एच यू एफ सेकंड फर्म थर्ड एओपी बीओआई फोर्थ
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फिफ्थ, लोकल अथॉरिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिक्स, ये छह हो गए, ये लिख लेना, और साथ में इन सब का ब्रांच ऑफिस और एजेंसी सेवंथ, ब्रांच ऑफिस और एजेंसी है सेवंथ पर्सन, क्लियर है? तो मैं चाहूंगा लिख लो दो मिनट के अंदर, गो फॉर इट फास्ट, स्टार्टिंग में जो 30 पेजेस ब्लैंक है उसके अंदर गो फॉर इट फास्ट। चलो लिख लिया सबने, सो एक बार चेक कर लीजिए, इंडिविजुअल फर्स्ट, एचओएफ सेकंड, थर्ड फर्म, फोर्थ एओपी बीओआई, फिफ्थ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सिक्स लोकल अथॉरिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेवंथ ब्रांच ऑफिस और एजेंसी ऑफ सिक्स ऑफ द अबव, क्लियर है? लेकिन ये यूनिवर्सल डेफिनेशन मैंने आपको बोली, हर लॉ में पर्सन की डेफिनेशन अलग होती है, लेकिन नॉर्मली एप्लीकेबल यूनिवर्सल डेफिनेशन ही होती है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे फेमा में आपने देखना इंडिविजुअल एचओएफ फर्म उन्होंने नीचे लिया है, कंपनी ऊपर लिया, मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में से कंपनी बाहर निकाल के रख दिया है, ठीक है, और नीचे देखो आर्टिफिशियल पर्सन वापस से दिया है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सर एग्जाम में अगर ये पूछा तो हम क्या लिखेंगे, एग्जाम में ये पूछेंगे ही नहीं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इतनी पागल नहीं है कि सीए फाइनल लेवल पे तुमको पर्सन की डेफिनेशन पूछे, क्लियर है कंसेप्ट? सो एग्जाम में ये पूछेंगे ही नहीं, और पूछा तो भी आपने यूनिवर्सल वाले लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके अंदर सभी लोग कवर हो रहे हैं। फिर एओपी बीओआई जैसा का वैसा है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन उन्होंने सेपरेट कर दिया, कंपनी अलग, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में लोकल अथॉरिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इंक्लूड कर दिया, समझ में आ रहा है? और आखिरी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी वो तो वैसा का वैसा है, क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपकी भी बुक में दी होगी, एक बार चेक कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। चल नेक्स्ट, अब हम पूरे फेमा के सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर जा रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कतई इंपॉर्टेंट, जहर इंपॉर्टेंट, इसका डिस्कशन लंबा चौड़ा चलेगा और आपको बहुत दिल से इस डेफिनेशन को समझना जरूरी है, ठीक है? सो सबसे पहली चीज, ये डेफिनेशन बोलने के पहले इसको एक बार हम लिख लेते हैं, लिख के देखते हैं, मतलब कैसा है कि कई बार जब हम चीजों को लिखते हैं तो जल्दी समझ में आती है, भले ही बोर्ड के अंदर दिया है, आपके बुक के अंदर दिया है, पर ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि फेमा पे सवाल आता है तो देर आर 40-50% चांसेस कि ये डेफिनेशन के ऊपर सवाल आएगा। जब हम पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन अभी देखना शुरू करेंगे, यू विल कम टू नो अबाउट दिस, ठीक है? सो 40-50% चांसेस है कि इसके ऊपर सवाल आएंगे, इसलिए लिखना जरूरी है। और लिखना शुरू करने के पहले मैं फॉर्मेट बता दूं, ठीक है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन, मतलब पहले कुछ बेसिक क्लैरिफिकेशन दे दूं, फिर ही आप लिख पाओगे अच्छे से। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, जिसे हम पीआरआई कहते हैं, यह डिफाइन किया है 2V में, 2V, वी फॉर वी स्मार्ट, क्लियर है? सो वी स्मार्ट के पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, समझ में आया? 2V में, और 2W में पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया दिया है, पर्सन रेसिडेंट का एक बार जो से आउटसाइड इंडिया दिया है, दिख रहा है सबको? हाँ है ना? सो 2V में पर्सन रेसिडेंट इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, 2W में तो इतना लिखा है हु इज नॉट अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो तो सस्ते नशे है, वो तो ड्राफ्टमैन के सस्ते नशे, गांजा चर नहीं, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर वाले नशे है, आजकल नया आया है ना मार्केट में, हाँ है ना? नेक्स्ट, सो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स, ठीक है, अब हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हम इसका फिलहाल सिर्फ पॉइंट नंबर 1 लिख रहे हैं जो इंडिविजुअल के लिए है। पॉइंट नंबर 1 के स्टार्टिंग में एक सेंटेंस आएगा, पहले एक नॉर्मल सेंटेंस आएगा, फिर पॉइंट नंबर 1 के स्टार्टिंग में एक सेंटेंस आएगा, फिर एक कैपिटल ए पॉइंट आएगा,
कैपिटल ए पॉइंट के अंदर एक लाइन आएगी ये वाली, फिर पॉइंट आएगा ए बी सी जिसके अंदर तीन सब पॉइंट आएंगे, फिर कैपिटल पॉइंट बी आएगा, फिर लाइन आएगी कैपिटल पॉइंट बी वाली, फिर उसके अंदर ए बी सी तीन सब पॉइंट आएंगे। तो हम सिर्फ इतना ही लिख रहे हैं। अब ये देख के भी आप लिख सकते हो लेकिन इसको मत करना वरना लॉजिकली आप डेफिनेशन समझ नहीं पाओगे। मैं नॉर्मली बच्चों को क्लास में इसको पढ़ने के लिए बोलता हूं, बच्चे 20-25 मिनट लगा देते हैं, समझ में कुछ नहीं आता। इसीलिए पहले लिख के देखिए, लिख के देखने के बाद पढ़िए तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। सो मैं डेफिनेशन बोलता हूं, इसको मैं स्लाइड को गायब कर रहा हूं। फॉर्मेट अगर पॉइंट नंबर वन, उसके अंदर वन, उसके अंदर दो कैपिटल पॉइंट ए और बी, फिर उसके अंदर हर एक में एबीसी एबीसी, ठीक है, और पहले एक सिंगल लाइन है वो हम लिखेंगे, ठीक है। चलो ये कहां लिखोगे, नॉर्मल जगह पे, 30 पेजेस में नहीं, नॉर्मल जगह पे। आ जाइए वापस आगे सब जन, नॉर्मल पेजेस पे। जहां सब चार्ट्स वगैरह कॉपी कर रहे हो वहां पे, ठीक है। सो लिखना वहां पे पहले नॉर्मल लाइन विदाउट एनी नंबर पर्सन, पहले तो सेक्शन लिखो टू वी पी आर आई, टू वी पी आर आई स्लैश टू डब्ल्यू पी आर ओ आई, टू वी पी आर आई स्लैश टू डब्ल्यू पी आर ओ आई, पी आर ओ आई मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पी आर आई मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। उसके अंदर पॉइंट नंबर, उसके अंदर बिना किसी पॉइंट की सिंगल लाइन आएगी, बिना किसी पॉइंट की लिखना। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स, लिखा मीन्स हमने। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन लिखना, पॉइंट नंबर वन में अ पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया, अ पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन, फॉर मोर देन 182 days, persons who resides in India for more than 182 days, 182 days during the course of preceding financial year, resides in India for more than 182 days during the course of preceding financial year, during the course of preceding financial year, comma, 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 but does not include, but does not include, does not include करके dash कर देना, does not include करके dash, point number capital A, क्या point number capital A, person who goes out of India, but does not include point number capital A, person who goes out of India or who stays outside India, person who goes out of India or who stays outside India in either case, मैं हो सकता है जानबूझ के स्लो बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को अंदाजा ही नहीं है आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है। In either case, person who goes out of India or stays outside India, in either case, for, for, अब स्मॉल पॉइंट ए, स्मॉल पॉइंट ए कैपिटल पॉइंट ए में, स्मॉल पॉइंट ए फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एनी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, पॉइंट नंबर स्मॉल बी एनी बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, पॉइंट नंबर सी एनी अदर पर्पज, एनी अदर पर्पज, एनी अदर पर्पज वेयर इज इंटेंशन इज टू स्टे आउटसाइड इंडिया, एनी अदर पर्पज वेयर इज इंटेंशन इज टू स्टे आउटसाइड इंडिया पॉइंट नंबर सी एनी अदर पर्पज वेयर इज इंटेंशन इज टू स्टे आउटसाइड इंडिया सी पॉइंट में फॉर अनसर्टन पीरियड, फॉर अनसर्टन पीरियड पॉइंट नंबर सी कंप्लीट एनी अदर पर्पज वेयर इज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टन पीरियड, लिख लिया सबने। फिर नीचे कैपिटल पॉइंट बी, नीचे कैपिटल पॉइंट बी कैपिटल वाला, अ पर्सन हु कम्स टू इंडिया, अ पर्सन हु कम्स टू इंडिया और हु,
और हु स्टेज इन इंडिया, लिखते हो लॉजिक भी लगाना, अ पर्सन हु कम्स टू इंडिया और हु स्टेज इन इंडिया, इन आइदर केस अदरवाइज देन, उसके अंदर स्मॉल पॉइंट ए फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, स्मॉल पॉइंट बी फॉर बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया, स्मॉल पॉइंट बी में लिखा बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया, स्मॉल पॉइंट सी फॉर एनी अदर पर्पस वेयर इंटेंशन इज टू स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टन पीरियड। लिख लिया सबने, बेस्ट हो गया सबका। सो ये हो गए ए बी सी तीन पॉइंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? एवरीबॉडी यस और नो? ओके, अब मैं चाहूंगा कि ये डेफिनेशन जो आपने दिखी, एनी अदर पर्पज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टन पीरियड लिखा सबने, सी पॉइंट, चलो गुड। सो अपने ये जो एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मैंने कुछ एरर वाइज कुछ बोला हो तो। सो स्टार्टिंग में पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स एनी पर्सन हु रेसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड डैश कैपिटल पॉइंट ए अ पर्सन हु गोज आउट ऑफ इंडिया और स्टेज आउटसाइड इंडिया इन आइदर केस फॉर पॉइंट नंबर स्मॉल ए फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया स्मॉल बी फॉर बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया स्मॉल सी फॉर एनी अदर पर्पज वेयर इज इंटेंशन इज टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टन पीरियड। उसके बाद में कैपिटल पॉइंट बी, उसके अंदर हमने देखा अ पर्सन हु कम्स टू इंडिया और हु स्टेज इन इंडिया इन आइदर केस अदरवाइज देन फॉलोइंग पॉइंट नंबर ए फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पॉइंट नंबर बी फॉर बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया, पॉइंट नंबर सी फॉर एनी अदर पर्पज वेयर इज इंटेंशन इज टू स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टन पीरियड। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? तो ये लिख लिया आपने सबने? तो मैं चाहूंगा इस डेफिनेशन को 20 सेकंड के लिए पढ़ते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, इतना आसान नहीं है, पढ़ते रहो, गो फॉर इट फास्ट। चलो पढ़ लिया सबने, रीड किया सबने। अब अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा तो एक बार थोड़ा सा मैं बैरेटेक्स के हिसाब से इसको पढ़ लूं तो समझ में आसानी से आएगा थोड़ा, ठीक है? लेकिन अभी एनालिसिस वगैरह हम छुएंगे भी नहीं, ठीक है? लेट्स गो। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स, अब पहली बात यह डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड होती है। पॉइंट नंबर वन, ये सिर्फ इंडिविजुअल को गवर्न करता है, और पॉइंट नंबर 2, 3, 4 जो हमने नहीं लिखे हैं ये बने हैं आर्टिफिशियल पर्सन के लिए। लेकिन इन दोनों को एक साथ देखना ये खतरे से खाली नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन को इंडिविजुअल का खत्म होने के बाद हम देखेंगे,
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। अब मैं स्टार्ट करता हूं। पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज बोला है, मोर देन 182 डेज बोला है, मतलब एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो हमने 183 डेज या उससे ज्यादा मानने हैं, 183 डेज और मोर मानने हैं। यहां सर मोर देन 182 डेज 2 घंटे भी तो रह सकता है, ये नलायक गिरी यहां पे नहीं करना। एग्जाम में 183 डेज बोला है तो मानना, 183 से कम बोला है तो नहीं मानना। 183 होगा तो रेसिडेंट है, अदरवाइज नहीं। वो भी 183 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, लिखते वक्त बेरेट एक्स में मोर देन 182 ही लिखना है, एग्जाम का आंसर लिखते वक्त मोर देन 182 ही लिखना है, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त 183 डेज मिनिमम दिखने चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 183 दिन है, प्रीवियस मतलब अगर प्रीवियस ईयर में यू आर मोर देन 182 डेज तो करंट ईयर में यू कैन बी पीआरआई। ये चीज तो पक्की होगी क्योंकि हम करंट ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में मोर देन 182 है तो करंट ईयर में तुम पीआरआई हो सकते हो। पर इस पीआरआई में डज नॉट इंक्लूड नीचे दिए गए लोग इंक्लूड नहीं होते हैं, भले ही वो पिछले साल 182 इनसे ज्यादा रहे हो। मैं पिछले साल 182 इनसे ज्यादा था पर नीचे वाले ए और बी पॉइंट में मैं फंसता हूं तो मैं पीआरआई नहीं हूं, मैं पीआरओआई हो जाऊंगा। मतलब पहला ऐसे टेस्ट है कि मोर देन 182 डेज, वो मैंने क्लैरिफाई किया, फिर मैंने नीचे नहीं फंसना चाहिए, नीचे फंस गया तो अगेन मैं पीआरओआई हो जाऊंगा, मैं पीआरआई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं रहूंगा। सो डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग, पीआरआई में नीचे दिए गए लोग नहीं आते, मतलब पीआरओआई होते हैं। अब नीचे एक एक करके, अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर चला गया, या हु स्टेज आउटसाइड इंडिया, के इंडिया के बाहर ही रह रहा है, इन आइदर केस किसी भी केस में बोले, फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, फॉर डूइंग बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड, फॉर एनी अदर पर्पज इंडिकेट इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया, कोई भी पर्पज जिसके लिए इंडिया के बाहर इंटेंशन है बाहर रहने का, ये तीनों को मैं कहता हूं एसपी स्पेसिफाइड पर्पज। एसपी मतलब स्पेसिफाइड पर्पज, ठीक है, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन, इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड, एसपी स्पेसिफाइड पर्पज। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने याद रखना, मतलब स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस वोकेशन इंटेंशन से आउटसाइड इंडिया, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर जा रहा है तो पीआरआई में इंक्लूड नहीं होगा। बात तो सही है कि पिछले साल 182 से ज्यादा रहा, चलो बहुत बढ़िया, इस साल एम्प्लॉयमेंट बिजनेस वोकेशन के लिए चला गया, ऑब्वियसली स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आउटसाइड गया तो पीआरआई नहीं है। नीचे, अ पर्सन हु कम्स टू इंडिया, जो इंडिया में आता है और हु स्टेज इन इंडिया, एक तो आया है नहीं तो रह रहा है, in either case otherwise then does not include otherwise then, देखो does not include otherwise then following negative positive है, does not include otherwise then this, मतलब नीचे अब जो लिखे हैं वो include होंगे, does not include otherwise than this, does not include, include नहीं होते, नीचे छोड़ के मतलब नीचे वाले include होते हैं, does not include otherwise than following means following are included, clear hai concept sabko? Haan na, negative positive, does not include, include nahi hote, otherwise than following, include nahi hote, niche diye gaye jo hai wo chhod ke include nahi hote, matlab niche diye hai wo include hote hai, niche diye gaye hai wo chhod ke include nahi hote, matlab niche diye gaye include hote hai, matlab niche wale person recent in india mein aayenge, jo india mein aa rahe hai employment ke liye, business vocation ke liye, any other purpose where intention is to stay in india for uncertain period, isko bhi main kehta hu specified purpose ke liye india mein aa rahe hai, ye hai definition, la 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 la। सर जिंदगी झंड हो गई हमारी, इतनी बड़ी डेफिनेशन कौन देके रखता है, क्या करे, शीए फाइनल पे है, शिपिटी नहीं है, बड़ी डेफिनेशन की आदतें डाल लो, बड़ी चीजों की आदतें डाल लो, फाइनल लेवल है, आ जाइए नलायक, अच्छा सोचो, ठीक है आगे। सो यहां इंडिविजुअल है क्योंकि हम इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं, थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में देखते हैं समझने के हिसाब से। एसिड टेस्ट, 182
2 डेज से ज्यादा. सो पहला सवाल, वेदर रेसिडेंस इज लेस देन 182 डेज और इक्वल टू 182 डेज. इक्वल टू भी रहा तो गलत है. सो लेस देन इक्वल टू 182 डेज. हाँ भैया, लेस देन इक्वल टू 182 डेज सवाल ही नहीं पूछना. स्ट्रेट अवे PR हुआ है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, क्योंकि लेस देन 182 डेज दूसरा सवाल ही नहीं है. इफ इट इज लेस देन 182 डेज, नो फर्दर क्वेश्चन, ही इज अ PR हुआ है. प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा है क्या तो बात करेंगे. तो ये PR हुआ है, हो गया. समझो प्रीवियस ईयर में इज मोर देन 182 डेज, इफ नॉट तो प्रीवियस ईयर में मोर देन 182 डेज होगा. अब बात करते हैं, नाउ देर आर चांसेस कि रेसिडेंट है या नहीं है. मोर देन 182 डेज है, इंडिया में ही रह रहा है, कहीं आ नहीं जा नहीं रहा. प्रीवियस ईयर में मोर देन 182 डेज था, देखो प्रीवियस ईयर में मोर देन 182 डेज था, करंट ईयर में नो मूवमेंट, करंट ईयर में नो मूवमेंट, किधर भी नहीं गया. तो ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेट अवे PR ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है. हम तो कंफ्यूजन तो उनका है ना जो मूवमेंट कर रहे हैं. सो अगर नो मूवमेंट है, प्रीवियस ईयर में 182 दिन ज्यादा है, नो मूवमेंट है, इधर ही चाहिए, इंडिया में पड़ा है, अपने जैसे लोग है जो इंडिया में ही पड़े हुए सालों से, तो नो मूवमेंट, PR है. आपका स्टेटस फिलहाल PR ही है. आप जो हो वो सालों से तो इंडिया में पड़े हो, पिछले साल भी 182 दिन से ज्यादा थे, आप तो पूरे 365 इधर थे, जो दिन नहीं होने चाहिए उससे भी ज्यादा आप यहां थे, तो नो मूवमेंट, PR है. लेकिन अगर मूवमेंट करने वाला है, स्टेबल नहीं है, फुदकते रहता है इधर उधर इधर उधर, उसका क्या करे, उसके लिए कंफ्यूजन है. तो प्रीवियस ईयर में मोर देन 182 डेज, फिर उसको पूछो तू आ रिया है या तू जा रिया है. आ रिया है तू जा रिया है, अगर आ रिया है तो क्यों आ रिया है, और जा रिया है तो क्यों जा रिया है. आ रिया है या जा रिया है, समझ में आ रहा है, आ रिया है या जा रिया है, कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन और गोज आउट. अब वो बोले मैं आ रिया हूं, पूछे क्यों आ रिया है, वो बोले मैं आ रिया हूं फॉर एम्प्लॉयमेंट बिजनेस एंड वोकेशन, स्पेसिफाइड पर्पज, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस वोकेशन और एनी अदर पर्पज, एनी अदर पर्पज के लिए आ रिया है. अब बंदा पिछले साल 182 दिन था, करंट ईयर में वापस इंडिया में आ रिया है, आ रिया है इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस वोकेशन यही कर रिया है, तो इंडिया के GDP में कंट्रीब्यूट करेगा. लॉजिकली सोचो, डेफिनेशन गई तेल लेने, लॉजिकली तो सोचो, इंडिया के GDP में कंट्रीब्यूट करेगा, तो देशवासी हुआ, देशद्रोही हुआ, ऑब्वियसली देशवासी. तो स्टेटस हम PR आए लेंगे, ठीक है, या तो फिर आ रिया है घूमने फिरने के लिए, आ रिया है पर घूमने फिरने के लिए. पिछले साल 182 दिन था, इस साल वापस आया, 182 से ज्यादा था पिछले साल, इस साल वापस आया. मैंने पूछा क्यों आया रे, बोले घूमने आया हूं. मैं बोला कहां, बोले चारों धाम, बोले सिर्फ नहीं, बोले गोवा तीर्थ क्षेत्र. बोला वाह गोवा, तो बोले हाँ तीर्थ क्षेत्र, अभी घूमने आया है, ये अतिथि जैसा बिहेव कर रहा है, था पिछले साल हमारा पर अभी तो बाहर रह रहा था ना, अभी सिर्फ घूमने वापस आया, हो सकता है रिलेटिव से मिलने आ जाए. वो शाहरुख खान की मूवी देखी है, ये जो देश है तेरा, स्वदेश वाली, स्वदेश मूवी, ये जो देश है तेरा स्वदेश है, याद है. तो शाहरुख खान इंडिया में पला बड़ा, पिछले साल 182 दिन से ज्यादा था, चला गया बाहर जॉब कर रहा है, वापस आया तो बोले माँ को मिलने आया, कौन सी सावित्री माँ की, कौन सी तो भी माँ थी ना मूवी में, तो उससे मिलने आया, रिलेटिव से मिलने आया, फ्रेंड से मिलने आया, घूमने फिरने के लिए आया, इंडिया में मन लग रहा, बाहर मन नहीं लग रहा था इसलिए इंडिया देखने आ गया, जॉब के लिए नहीं आया, बिजनेस के लिए नहीं आया, वोकेशन के लिए नहीं आया, GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करने नहीं आया. तो देशवासी, देशवासी या देशद्रोही, देशद्रोही तो नहीं बोल सकते बट अतिथि. तो स्टेटस हम डिसाइड करेंगे क्या होगा, लेट्स सी क्या होगा. सो यहां पे GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहां पे GDP में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है. सो GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरी जगह पे नहीं कर रहा है, ये आर्या का हो गया. स्टेटस अभी तक लिखा नहीं, एक अज्यूम कर रहे हैं कि भाई GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो PR है, और GDP में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो क्या फायदे का, अतिथि है, खाया मतलब तो कोई सेंस नहीं ना, धरती पे बोझ, क्लियर है. सो इंडियन धरती पे बोझ, मेरे देश की धरती पे बोझ है ना. फिर अगर पर्सन ये गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर में 182 दिन था, करंट फाइनेंशियल ईयर में बाहर जा रहा है, पूछो उसे क्यों जा रिया है, क्यों जा रिया है, पूछो उसे क्यों जा रिया है, वो बोले मैं बाहर जॉब लगी है जा रिया हूं, बिजनेस वोकेशन जा रिया हूं. वाह ये वो बंदा है
जो खाया पिया जिया यहाँ पे, और जब जॉब लगी तो कहाँ करने गया, गोरों के पास। हाँ, काले भी है बाहर, पर गोरों के पास, फॉरेनर्स के पास जॉब करने चला गया। इसका पूरा प्लान है एनआरआई बनने का, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, नॉन रिक्वायर्ड इंडियन, नॉन रिक्वायर्ड नहीं सॉरी, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन बनने का पूरा प्लान है इसका। तो क्या इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं। देशवासी, देशद्रोही, सोच के रखिए। या फिर बंदा जा रही है नॉन स्पेसिफाइड पर्पज के लिए, बंदा जा रहा था, मैंने पूछा क्यों रहे, किधर जा रहा, बिजनेस के लिए जा रहा, बोले नहीं, मतलब जॉब के लिए जा रहा, बोले नहीं, बोला कोई दूसरा इंटेंशन फॉर अनसर्टेन पीरियड, बोले नहीं, बोला क्यों जा रहा, बोले मेरी शादी हुई है, मेरी शादी हुई, बीवी को लेके घूमने जा रहा, हनीमून। तो बंदा जा रहा घूमने बाहर। अब ये बाहर जाएगा, सुबह का भूला है, कितने दिन हनीमून में आएगा, बोर हो जाएगा, कभी ना वापस आएगा, बोलो आया ना, कभी तो वापस आएगा। तो जब वापस आएगा, सुबह का भूला शाम को घर वापस आए, जॉब करने नहीं गया था, घूमने गया था, घूमना अच्छी बात है, घूमने दो, शादी हुई बेचारी को, तुमको क्या तकलीफ है, तुम सिंगल लौंडे जिंदगी में, तुम्हारा क्या होगा, और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। बाकी लोगों का स्टेटस होता है, सीए के बच्चों का स्टेटस नहीं होता। हाँ, तुम ना सोचना, तुम्हारा स्टेटस बाकी लोगों का होता है, सिंगल होता है, कमिटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, सीए के स्टूडेंट का झंड, ठीक है। फेसबुक ने एक नया ऑप्शन सीए स्टूडेंट के लिए निकालना चाहिए, सिंगल कमिटेड कॉम्प्लिकेटेड झंड, हमारा स्टेटस झंड है, पता ही नहीं क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर, है ना। सो बंदा जा रहा है शादी करके जा रहा है घूमने, जब जाने तो तुमको क्या तकलीफ है जिंदगी में, जल कुकड़े लोग। तो याद रखना, ऐसा बंदा जा रहा है सुबह का भूला शाम को घर वापस आए, तो आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखेंगे स्टेटस, ठीक है। तो अब ये चार स्टेटस देखने, पहला, सबसे पहला ये वाला, ठीक है, पिछले साल 182 दिन था, करंट ईयर में स्पेसिफाइड पर्पस के लिए वापस आया, इंडिया के पास एम्प्लॉयमेंट के लिए वापस आया, पिछले साल भी हमारा ही था, हो सकता है उसके पिछले साल भी हमारा हो, करंट ईयर में इंडिया को कंट्रीब्यूट करने आया, स्टेटस पीआर है, देशवासी भाई, ये तो देशवासी है। लेकिन सिर्फ घूमने फिरने आया, गोवा आया, तीर्थ क्षेत्र है ना गोवा, गोवा में तीर्थ सस्ता मिलता है, सो तीर्थ क्षेत्र, चारों धाम घूमने आया, रिलेटिव को मिलने आया, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मिलने आया, तुम्हारी नहीं है तो क्या, वो उसकी तो है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टेटस पीआर हुआ है, क्या स्टेटस होगा, बोले एक बार पीआर हुआ है, क्योंकि अतिथि है, समझ में आ रहा है, अतिथि देवो भव, पर अतिथि रेसिडेंट नहीं होता, देव है रेसिडेंट नहीं है, देव कहां रेसिडेंट है, देव तो धरती पे ही नहीं है। अगली चीज, अगर पर्सन गोज आउट ऑफ इंडिया, पर्सन जा रहा है इंडिया के बाहर इन एनी स्पेसिफाइड पर्पस, किसी भी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, ये वो देशद्रोही है जो खाया पिया जिया यहां पे, एजुकेशन यहां पे लिया, जब जॉब करने की बारी आई बाहर के लोगों के, जॉब, स्टेटस पीआर हुआ है, देशद्रोही, नॉन रिक्वायर्ड इंडियन, एनआरआई, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। और फिर वो बंदा जिसकी शादी हुई है जो जाएगा, तुम भी जाओगे, तुम्हारी भी शादी होगी, सीए कर क्यों रहे हो जिंदगी में, एक सुंदर सी, याद है ना पहला लेक्चर, हाँ है ना। सो तुम्हारी शादी हुई, तुम जा रहे हो बाहर घूमने के लिए, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में नॉन स्पेसिफाइड पर्पस वापस आओगे, बोर हो जाओगे, इंडिया की रात तो आएगी, दाल चावल यही मिलते हैं और बाहर नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में वापस आओगे, स्टेटस पीआर है, क्योंकि सिर्फ घूमने गए तो घूम के वापस आए, यहीं का बंदा है, घूमने गया तो क्या पीआर हुआ है बोलोगे उसको, ऑफ कोर्स नॉट। ये है रेसिडेंशियल स्टेटस फेमा में, पर ये फिलहाल रेसिडेंशियल स्टेटस है, फिलहाल, फिलहाल फील करो ये कि फिलहाल इस हाल में, फील इन दिस हाल कि ये रेसिडेंशियल स्टेटस है, यह मैं आगे चेंज जरूर करूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल ये स्टेटस है। आपके बुक में डायग्राम होगा, मार्क कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट, या बुक में अगर ब्लैंक डायग्राम होगा तो लिख लीजिए, चार्ट ड्रॉ कर लीजिए अपने रजिस्टर में, ठीक है, गो फॉर इट फास्ट।
चलो हो गया सबका, मार्क कर लिया सबने। ओके अब मैं चाहूँगा कि 10 मिनट का ब्रेक ले ले, बिकॉज इसके बाद में अब जो मैं डिस्कशन शुरू करने वाला हूँ वो थोड़ा लंबा चलेगा, आधे पौन घंटे तक, तब तक ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहूँगा अभी 10 मिनट का ब्रेक ले ले, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं बचे हुए लेक्चर के साथ, ठीक है? सो व्हाट आई विश इज यू शुड टेक अ ब्रेक नाउ। किसी का रह गया है तो चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए, मैक्सिमम चीज़ों की रिवाइंड करके फोटो कर लीजिए इन बिटवीन द ब्रेक्स, ठीक है? सो लेट्स गो, ब्रेक ले लीजिए।
श्योर। ओके डन एवरीबडी, चलो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट करना अच्छे तरीके से ध्यान देना। सो हम है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वाले ट्रांजैक्शंस के अंदर, ठीक है। और हमने ऑलरेडी अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट कर दिया है। सो नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज हम एक बार उस डायग्राम को वापस देखें जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखी थी, और फिर उसके बाद में हम एनालिसिस के लिए जाएंगे, ठीक है। एक बार मुझे डेफिनेशन बोल के बता सकते हो बच्चों? अच्छा डेफिनेशन बोल के बता सकते हो क्या? जागो ग्राहक जागो। सो क्या डेफिनेशन है बोलो सब जने एक बार। अ पर्सन रेसिडेंट, सेक्शन बोलो पहले, टू सबसेक्शन वी एंड टू सबसेक्शन नंबर डब्ल्यू, ठीक है। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन हु रेसिड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड। कौन नहीं इंक्लूड होता? फर्स्ट मतलब कैपिटल पॉइंट ए, अ पर्सन हु गोज आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया इन आइदर केस फॉर एम्प्लॉयमेंट बिजनेस वोकेशन और इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टेन पीरियड। सब कैपिटल पॉइंट बी, अ पर्सन हु कम्स टू इंडिया और हु स्टेज इन इंडिया इन आइदर केस फॉर कौन कौन सी चीजों के लिए, हु स्टेज इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट बिजनेस वोकेशन और इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड। ये चीज हमने देखी थी, हाँ ना। इसके बाद में मैंने ये डायग्राम दिखाया था, ऑब्वियसली बात है एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। रिसाइड्स इन इंडिया फॉर लेस देन इक्वल टू 182 डेज, ऑब्वियसली दिस पीआरवाई होगा। इफ नॉट रिसाइड्स मोर देन इंडिया फॉर 182 डेज, अगर वो इंडिया में ही पड़ा हुआ है तो पीआरआई ही है, ये हमने ऑलरेडी बोल दिया। लेकिन अगर कम्स इन है, कम्स इन फॉर स्पेसिफाइड पर्पज है और गोज आउट फॉर स्पेसिफाइड पर्पज है, तो कम्स इन फॉर स्पेसिफाइड पर्पज पीआरआई, लेकिन अतिथि बन के आ रहा है तो पीआरवाई। गोज आउट फॉर स्पेसिफाइड पर्पज पीआरवाई, लेकिन अतिथि बन के अगर जा रहा है तो पीआरआई। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इतना हमने डिसाइड किया है टेंपरेरी, अभी तक। मैंने बोला अभी तक ही है, आगे ये चेंज होगा इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, इसलिए बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। अब मैं केसेस ले रहा हूं, प्रीवियस ईयर में इज रेसिडेंस इज लेस देन 182 डेज एंड करंट ईयर में बंदा बाहर जा रहा है इस स्पेसिफाइड पर्पज के लिए। अंदर आ रहा है बाहर, बाहर का एरो निकाला मतलब बाहर जा रहा है फॉरेन में, और एसपी मतलब स्पेसिफाइड पर्पज, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस वोकेशन एक्सेट्रा। बाद में अंदर भी आया स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, फिर बाहर चला गया स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, बताइए स्टेटस क्या है? बताओ बताओ बताओ। पीआरओआई पीआरओआई पीआरओआई, क्योंकि रेसिडेंस इज लेस देन 182 डेज तो करंट ईयर में पूरा साल पीआरओआई। सवाल दूसरा पूछना ही नहीं, आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है पूछना ही नहीं है, सीधा पीआरओआई पूरे साल में। 182 दिन से ज्यादा है तो सवाल पूछेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा है, अब बात करते हैं करंट ईयर में स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया। बंदा करंट ईयर में स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया, प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा था, खाया पिया जिया यहां पे, बाहर जॉब करने के लिए चला गया है, देशद्रोही, हाँ स्टेटस पीआरवाई। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अंदर आया, स्टेटस पीआरआई, क्योंकि पिछले साल 182 दिन था, भले ही बाहर गया, ये जो देश है तेरा, शाहरुख खान बाहर गया था फिर तड़पने लगा, वापस इंडिया में जॉब करने के लिए आया, पीआरआई। सुबह का बोला शाम को घर वापस आया है जॉब करने के लिए, करने दो ना, पीआरआई। वापस बाहर चला गया क्योंकि इंडिया में पैसा ही नहीं मिल रहा था, इंडिया में तो वैसे ही पैकेजेस कम है, बाहर चला गया जॉब के लिए, स्टेटस अगेन पीआरवाई। ये सिर्फ फेमा में होता है, आपने इनकम टैक्स को इससे कंपेयर मत करना। जिस वक्त आपने इनकम टैक्स को इससे कंपेयर कर लिया आपकी लग गई, क्लियर? ये चीज को याद रखना, फेमा में ही सिर्फ ऐसा होता है, ये इनकम टैक्स वगैरह में नहीं होता। इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। अगला वाला एग्जांपल, मतलब अब देखो ये फेमा में कितने बार स्टेटस चेंज हो सकता है। प्रीवियस ईयर में 180 से ज्यादा, स्पेसिफाइड पर्पज के लिए गया पीआरओआई, स्पेसिफाइड पर्पज के लिए आया पीआरआई, क्योंकि आया जॉब कर रहा है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा तो पीआरआई आएगा दोनों जगह पे, है ना। स्पेसिफाइड पर्पज के लिए बाहर गया पीआरओआई, वापस आया पीआरआई, वापस गया पीआरओआई, ये जिंदगी भर चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब ये इतना खतरनाक है कि आप ऐसे मस्त एक ऑफर लेटर नेपाल का ले लो, नेपाल की कंपनी का बोलो, है ना, और एक ऑफर लेटर इंडियन कंपनी का ले लो जॉब का सीए बनने के बाद, और ऐसे इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे खड़े हो, चलता है मस्त वहां पे, लगे ऑन अराइवल वीजा, ऐसे खड़े रहेगा और ऐसे डोलने का, ये इधर गया तो नेपाल पीआरओआई, इधर गया तो इंडिया पीआरआई, नेपाल पीआरओआई, इंडिया पीआरआई, नेपाल पीआरओआई, इंडिया पीआरआई, ये चलते रहने का। हर सेकंड हर मिनट आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। और इंटेंशन भी मैटर कर रहा है,
तो इतने बार स्टेटस चेंज हो सकता है, ये इनकम टैक्स में नहीं होता है। इनकम टैक्स में एक बार ठप्पा लग गया कि आप रेसिडेंट या तो फिर नॉन रेसिडेंट साल भर के लिए। फेमा में यू कैन चेंज, क्लियरिंग कॉन्सेप्ट सबको हाँ है ना, खत्म नहीं हुआ। समझ में आया होगा, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, आ ही नहीं सकता समझ में। पूरा ध्यान बोर्ड पे, मैंने खत्म ही कहाँ किया अभी तक, अभी तो मैंने शुरू किया है। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने शुरू किया है, हाँ है ना। सो अगला, प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस मोर देन 182 डेज, करंट ईयर में स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया, बताओ स्टेटस, जोर से बोलो, टेलीपैथी सुन रहा हूं मैं, हाँ, शाबाश। PROI, ये रेड कलर है, रेड कलर, हम PROI रेड कलर में लिखते हैं, रेड कलर है, ठीक है, ग्रीन नहीं, तुमको कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, ये रेड है, तो इसको मैं पहले रेड लिख दूं यहां पे, ठीक है, दिस इज रेड, चुप, रेड कलर में लिखा है वो, ठीक, कोई कुछ नहीं, रेड है, आगे। फिर वो NSP के लिए, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इंडिया में आया, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए काय में आया, इंडिया में। नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बंदा इंडिया में आता है तो अतिथि होता है, हमने वो डायग्राम में देखा था ना, डायग्राम, झाड़ वाली डायग्राम, इसमें सबसे इधर वाला स्टेटस था, इंडिया में आया एवी, तो नॉन रेसिडेंट, तो स्टेटस PROI रहेगा, क्या रहेगा, जोर से बोलो, PROI। वापस अगर मैं दूसरा वाला केस लू, तो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया, स्टेटस PROI, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अंदर आया, स्टेटस PR, ये ग्रीन है, ग्रीन है, तुमको कलर ब्लाइंड हुआ है, तुम ठीक से नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, ये ग्रीन है, ग्रीन है वो, चुप, ग्रीन है। सो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया PROI, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अंदर आया PRI, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया, इंडिया में आया था, PRI बन गया, घूमने फिरने बाहर गया, सुबह का भूला ये, शाम को वापस अपने पास ही आएगा, स्टेटस PRI, क्लियर है। तो ये नॉन स्पेसिफाइड पर्पस का, समझ में आया, आया क्या, नहीं आया, आ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक मैंने खत्म ही नहीं किया, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, इतनी जल्दी क्या है। अगला केस, अब इसका आंसर बोलोगे तो समझेंगे। प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस मोर देन 182 डेज, करंट ईयर में स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया, जोर से चिल्लाओ, यहां तक आवाज आनी चाहिए मेरे को, शाबाश PROI, जोर से, इतने जोर से चिल्लाना, सब घर वाले जमा हो जाने चाहिए, पीडी वालों के यहां पे, वर्चुअल सेंटर पे सब सेट, आजू आजू के क्लास जमा होनी चाहिए, बोलो जोर से, स्टेटस क्या है, PROI। NSP के लिए अंदर आया, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अंदर आया, स्टेटस PROI, ये तो बताइए हमको, क्योंकि अतिथि करके आया, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए वापस बाहर चला गया, तो ला 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 ला, सर ये क्या पूछ लिया आपने, सवाल है, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया तो स्टेटस, सर नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया तो सुबह का भूला सर, स्टेटस PRI होना चाहिए, हाँ सर हो गया, निकम्मो, सोचो जरा, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अंदर आया, PROI हुआ, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर जाएगा, स्टेटस क्या होगा, बोलो 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 बोलो, लॉजिकली सोचो, सुन रहा हूं मैं, टेलीपैथी सुन रहा हूं मैं, रो रहा है तू, बोलो। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, एक बंदा था पीटर, लड़का होगा तो पीटर, लड़की होगी तो पिटरी, एक बंदा था पीटर या पिटरी, पीटर पिटरी जॉब करते थे माइक्रोसॉफ्ट में, किसी का अगर प्रीति वगैरह नाम है तो कार्यक्रम की घटना है, प्रीति वगैरह नाम है तो वेरी सॉरी, कार्यक्रम की पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, यदि किसी घटना के साथ समानता होती है तो मात्र सहयोग किया जाए कहा जाएगा। एक बैच ऐसा था जिसके अंदर मैंने बोला पिटरी, तो प्रीति करके लड़की थी, चले हाँ मतलब पिटरी बोला, प्रीति नहीं, सो अगर मैच हो रहा है सहयोग माना जाना चाहिए। सो माइक्रोसॉफ्ट में पिटर पिटरी जॉब कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट ने उनको 6 महीने का छुट्टी दिया, पीटर पिटरी ने डिसाइड किया, जो भी है पीटर या पिटरी, उसने डिसाइड किया कि मैं 3 महीने इंडिया में टूरिज्म करूंगा, बंदे थे यूएस के, 3 महीने इंडिया में टूरिज्म करेंगे, और उसके बाद जो बचे हुए 3 महीने हैं, 6 महीने में से 3 महीने इंडिया, 3 महीने हम जाएंगे दुनिया के शॉपिंग डेस्टिनेशन पे, दुबई, दुबई शॉपिंग डेस्टिनेशन है दुनिया का, है ना, वो कितना दुबई में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, रईस लोग, अमीर लोग, अब मेरे जैसे गरीब है, दुबई देख, दुबई क्या देखा भी नहीं मैंने, फोटो में भी नहीं देखा, सो मैं सच में नहीं देखा, माइक्रोसॉफ्ट यूएस की कंपनी, छुट्टी मिली 6 महीने की, 3 महीने इंडिया में आए, 3 महीने दुबई जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, लॉजिकली डेफिनेशन गई तेल लेने, मैंने इसके पहले जो समझाया वो भी गया तेल लेने, लॉजिकली समझाइए, जब पीटर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा था, क्या
पीटर हमारा था नहीं, स्टेटस पीआर हुआ है। जब पीटर इंडिया में चारों धाम की यात्रा कर रहा है, क्या पीटर हमारा है? नहीं, अगेन पीआर हुआ है। जब पीटर दुबई गया, दुबई गया, मॉरिशस गया, बैंकॉक है, बैंकॉक नहीं चारों धाम की यात्रा की, पुण्य किया है, अभी अभी पाप करने बैंकॉक मत भेजो। हाँ, किसी को अगर ले बैंकॉक लो निकम, ठीक है। सो पीटर बैंकॉक गया, तो कैसे 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 देश है, कैसे कैसे नाम है, बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, अलग ही कंट्री है वो, ठीक है। सो बेसिकली देखा जाए तो 3 महीने इंडिया में पीआर हुआ है, बाहर गया, दुबई गया, बैंकॉक गया, 3 महीने। मुझे बताओ, जब वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था, क्या हमारा था? नहीं। जब वो इंडिया में चारों धाम की यात्रा करके पुण्य कमा रहा है, क्या वो हमारा है? नहीं। जब वो दुबई या बैंकॉक में पाप कर रहा होगा, क्या वो हमारा रहेगा? नहीं। स्टेटस पीआर हुआ है। लॉजिकली, लॉजिकली डेफिनेशन गई तेल लेने, सब मैंने जो बताया गया तेल लेने, ठीक है। लॉजिकली स्टेटस क्या होगा? पीआर हुआ है। लॉजिक समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि भैया बाहर से पीटर आया, इंडिया में 3 महीने रहा, वहां से बाहर चला गया तो पीआर आया हो गया। ऐसे तो जितनी जनता इंडिया से बाय थ्रू जाती है या ऐसे एयरपोर्ट से भी गुजरती है, वो सब पीआर आया हो जाएगी। ये कोई बात हुई दीदी? चीचा, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस मोर देन 182 डेज, करंट ईयर में स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया, क्या स्टेटस होना चाहिए? पीआर हुआ है। चलो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अंदर आया, क्या स्टेटस होना चाहिए? पीआर है। चलो नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया, स्टेटस क्या होगा? पीआर है, क्योंकि अतिथि करके गया, इंडिया में जॉब कर रहा था, अतिथि करके गया, कोई बात नहीं, पीआर है। एनएसपी के लिए अंदर आया, क्या स्टेटस होना चाहिए? सर, इधर हमने वो ट्री डायग्राम जो थी ना आपकी, ट्री डायग्राम ऐसे इधर बहर रही थी, उधर बहर रही थी, तो इधर हमने नीचे पढ़ा था एनएसपी के लिए अंदर आया तो अतिथि, अतिथि का स्टेटस पीआर वाई आएगा सर। यहां पे देखो डायग्राम में पीआर वाई ना जी। लॉजिकली समझो बच्चों, लॉजिकली समझो, ध्यान देना। बंदी का नाम है निब्बा, निब्बा पता है, निब्बा निब्बा, ये इंडिया में जॉब कर रहा था, लेट्स इमेजिन किंग फिशर कंपनी में, किंग फिशर, निब्बा इज वर्किंग इन किंग फिशर, किंग फिशर एयर एयरलाइन बियर, जो भी मानना है तुमको मानो, निकम्मो, सब नशस्ते नशे वाले लोग हैं। किंग फिशर एयरलाइन की बात कर रहा हूं मैं, बियर की बात नहीं कर रहा हूं। निब्बा इज वर्किंग, बंद पड़ गया, आई नो, बट एग्जांपल, निब्बा इज वर्किंग इन किंग फिशर। किंग फिशर ने उसको 6 महीने की छुट्टी दे दी, वैसे भी बंद पड़ने वाली थी। निब्बा ने डिसाइड किया, पहले तो 3 महीने बैंकॉक जाऊंगा, तो 3 महीने निब्बा जा रहा है बैंकॉक, वापस पाप करेगा। अब निब्बा को पाप धोना पड़ेगा, तो वापस आएगा, बोले 3 महीने इंडिया में रहूंगा, पाप धोऊंगा, चारों धाम की यात्रा करूंगा इंडिया में, इसलिए इंडिया निब्बा वापस आ गया, निब्बा इज बैक टू इंडिया। नाउ मुझे बताओ, जब ये किंग फिशर में इंडिया में जॉब कर रहा था, क्या हमारा था? हाँ था, स्टेटस पीआर है। जब वो बैंकॉक में पाप कर रहा है, भले ही पाप कर रहा है, टेढ़ा है, पर हमारा है, मेरा है, तो ऐसे सिचुएशन में पीआर है स्टेटस। और जब निब्बा इंडिया में पाप धोने आएगा, पाप कर रहा था तब तुमने उसको अपना माना, अब तो पाप धोने आया है, तो ऐसे सिचुएशन में स्टेटस क्या रहेगा? पी आर आई, जो हमारा था, जो हमारा है, वो हमारा रहेगा, जो हमारा नहीं था, जो हमारा नहीं है, वो हमारा कैसे हो सकता है? ये चीज को याद रखना, लॉजिकली डेफिनेशन गई तेल लेने में, जो बताया गया तेल लेने, लॉजिकली समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आया तो नीचे, प्रीवियस ईयर में 182 से ज्यादा, करंट ईयर में स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया, पीआर हुआ है। एनएसपी के लिए अंदर आया, पीआर हुआ है। बाहर गया एनएसपी के लिए, पीआर हुआ है। ये पहला केस हुआ, कंबाइन कराओ दोनों केस को। फिर एसपी के लिए अंदर आया, पीआर आए। एनएसपी के लिए बाहर गया, पीआर आए। एनएसपी के लिए अंदर आया, पीआर आए। सर तुमने तो एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, मारो भाई मारो। So, तुमने तो सर से पढ़ाया कुछ और था, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ओ भाई क्या करे। तो सर ये क्या कर दिया तुमने, समझा तो कुछ और समझा, अभी कुछ और समझा रहे हो। मैंने आपको तभी बोला था कि मैं अभी बेसिस के हिसाब से इसको समझा रहा हूं, लेकिन आगे चेंज करूंगा। अब ये ओवरऑल पूरी जो मैंने यहां गाथा बोली है, सिर्फ ये स्लाइड में, ये 3 केसेस में जो गाथा बोली है, इसको देख के ना आप एक मैकेनिक्स फिट कर सकते हो, इसको देख के एक मैकेनिक्स फिट कर सकते हो। मैं चाहूंगा वो मैकेनिक्स आप फिट कीजिए, सिर्फ इसको देखिए और मैकेनिक्स फिट कीजिए, क्या होगा? फिर अपन डेफिनेशन में क्या चेंज करने हैं विल सी, डायग्राम में क्या चेंज करने हैं प्राइमरी डायग्राम में विल सी, पर इसको देख के आपको क्या लगता है? 20 सेकंड गुस्से से देखिए, मैकेनिक्स फिट कीजिए, क्या लगता है आपको? सोचिए, थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए।
सो कोई इक्वेशन समझ में आया? आया क्या समझ में? आया क्या? अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूँ। कई सारे लोगों ने अलग अलग सिचुएशंस बोले होंगे, लेकिन मैं अभी समझाना चाहूँगा। ज़रा देखना, गौर से देखना, ठीक है? गौर से, इतने गौर से देखना कि देखते देखते जल जाना चाहिए पीसी। तो सर लेक्चर का पे देखेंगे, नहीं इतने भी गौर से ना देखना, पर देखना। ओ, 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 समझ में आ रहा है क्या? ओ 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 समझ में आया क्या? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल। डिंपल कर दूं मैं आपके लिए ये, एकदम मैकेनिक्स की। ये पढ़ा तो ये लिखना, वो पढ़ा तो वो लिखना, बस इतने दो लाइन में खत्म होना चाहिए पूरा डेफिनेशन। सिंपल सी बात है, जहां कहीं पे भी एनएसपी वर्ड आएगा, जहां कहीं पे भी एनएसपी वर्ड आएगा, देखो जहां कहीं पे भी एनएसपी वर्ड आ रहा है, एनएसपी 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 एनएसपी, चुपचाप 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 लास्ट स्टेटस लिख देने का, जो भी उसका लास्ट स्टेटस है चुपचाप कैरी फॉरवर्ड कर लेने का, गेम ओवर। सिंपल मैकेनिक्स। एनएसपी देखा, लास्ट स्टेटस लिखा, एनएसपी देखा, लास्ट स्टेटस लिखा, एनएसपी देखा, लास्ट स्टेटस लिखा, सिंपल एज दैट। यही इसका मतलब है, समझ में आ रहा है? बस इतना ही मैकेनिक्स याद रखो। एनएसपी देखा, नॉन स्पेसिफाइड पर्पज है, लास्ट स्टेटस कैरी फॉरवर्ड, सिंपल मैकेनिक्स। सार फिर जो तुमने हमको पीछे वाले डायग्राम में बोला था, वो पीछे वाले डायग्राम में, वो सबसे पहली वाले डायग्राम, इतने जोर जोर से एसपी एनएसपी कर करके एक्शन हरकतें कर करके बता रहे थे। यहां तो तुमने पीआरओआई लिखा है, यहां तो एनएसपी में पीआरआई लिखा है। मैं क्या करूं, मैं झूठ बोल रहा था, पर मेरे पास ऑप्शन क्या था? अगर मैं उस वक्त तुमको बोलता था कैरी फॉरवर्ड, तुमको घंटा समझ में आता था मैं क्या बोल रहा हूं। तो मुझे समझाना इस तरीके से पड़ा कि पहले गलती करके दिखानी पड़ी, फिर मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मजदूर भी था। समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहा हूं? सो बेटा, यहां पीआरओआई तुमके प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोला था कि तुम्हारा प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग बना रहा है कि हाँ ये पीआरआई पीआरओआई, वही जब बोलता है ना कैरी फॉरवर्ड, सर क्या बोल दिया? समझ में आ रहा है? तो अब याद रखना कि जहां एनएसपी है वहां स्टेटस कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। एनएसपी देखा, लास्ट स्टेटस लिखा, एनएसपी देखा, लास्ट स्टेटस लिखा, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। तो यहां मैं लिख दूंगा एनएसपी देखा, एनएसपी देखा, डीई के छे, लास्ट स्टेटस लिखा, लास्ट स्टेटस लिखा, ठीक है? एनएसपी देखा, लास्ट स्टेटस लिखा, सिंपल एज दैट, सिंपल मैकेनिक्स। और एक्चुअली बताओ, अब एक्चुअल डेफिनेशन को देखना, इसलिए अब एक्चुअल डेफिनेशन को देखना। अगर आप डेफिनेशन को भी देखो ना, तो डेफिनेशन में भी कहीं पे, डेफिनेशन में भी कहीं पे एनएसपी का कोई जिक्र ही नहीं है। जो भी जिक्र है सिर्फ एसपी और एसपी का है। एनएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया है ड्राफ्टमैन ने डेफिनेशन में? क्यों ड्राफ्टमैन ने एनएसपी डेफिनेशन के अंदर नहीं लिखा? क्योंकि ड्राफ्टमैन भी यह चाहता था कि एनएसपी की वजह से स्टेटस चेंज ना हो। अब जो स्टेटस जैसा का वैसा आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, जिसमें कोई चेंज ही नहीं करना है, जिसमें कोई चेंज ही नहीं करना है, हम उसको लिखे क्यों? तो ड्राफ्टमैन भी अज्यूम कर रहा है कि मैं एनएसपी नहीं लिखूंगा, इसका मतलब लास्ट स्टेटस लोग ऑटोमेटिक ला लेंगे, आगे स्टेटस में कोई चेंज ही नहीं करेंगे, इसलिए ड्राफ्टमैन ने भी एनएसपी नहीं लिखा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? अब ये जो डायग्राम है, ये मैं बेयरटेक्स के हिसाब से पूरी बोल के दिखाता हूं, ठीक है? पूरी बेयरटेक्स के हिसाब से लिंक करके दिखाऊंगा तो जाके समझ में आएगा, ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड पे। एनी पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कैन बी पीआरआई, प्रोवाइडेड इफ ही गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर एनी स्पेसिफाइड पर्पज स्टेटस विल बी पीआरओआई। दैट मीन्स इफ ही गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर नॉन स्पेसिफाइड पर्पज, देर विल बी नो चेंज इन द स्टेटस, दैट्स वाई कैरी फॉरवर्ड, बिकॉज एनएसपी के बारे में लिखा ही नहीं है। इफ ही गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टेन पीरियड, इतना ही लिखा है, स्पेसिफाइड पर्पज ही लिखा है। तो अगर सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पज लिखा है तो पीआरओआई है,
इट्स सिंपल एज दैट, ये सिर्फ PROI होगा। लेकिन अगर NSP है तो कुछ लिखा नहीं है, मतलब जो स्टेटस है वही कैरी फॉरवर्ड करो, इसलिए हमने लिखा कैरी फॉरवर्ड। ये कैपिटल पॉइंट ए हुआ, कैपिटल पॉइंट बी, अ पर्सन हु गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट इट डज नॉट इंक्लूड हु कम्स टू इंडिया और हु स्टेज इन इंडिया इन आइदर केस, अदरवाइज देन दिस डज नॉट इंक्लूड, अदरवाइज देन दिस डज नॉट इंक्लूड, अदरवाइज देन दिस, याद ना पिछले इसमें मैंने बताया था डज नॉट इंक्लूड अदरवाइज देन दिस, ये दो वर्ड्स बड़े काम के थे डेफिनेशन में, देखो डज नॉट इंक्लूड, बड़े अच्छे से ध्यान देना बोर्ड के ऊपर क्या कर रहा हूं मैं, डज नॉट इंक्लूड चल रहा है मां शक्ति पे नहीं चल रहा, डज नॉट, अरे भगवान, देखो ऐसे छोटे मोटे टेक्निकल प्रॉब्लम आए। अब ये इसका जो सेल है ना, ये 4A वाला सेल है, ये जिंदगी में किधर नहीं मिलता, जब तक अमेजोन नहीं खुलेगा तब तक सेल नहीं मिलेगा। चल बोलो हे माँ शक्ति, सब जन बोलो हे माँ शक्ति, लेक्चर रुक जाएगा, हे माँ शक्ति, हाँ माँ शक्ति, थैंक यू माँ। सो डज नॉट इंक्लूड वर्ड क्या है, अदरवाइज देन, डज नॉट इंक्लूड अदरवाइज देन फॉलोइंग, रेसिडेंट डज नॉट इंक्लूड अदरवाइज देन फॉलोइंग, रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होता नीचे दिए गए चीजों को छोड़ के, मतलब नीचे दिए गए चीज इंक्लूड होती है, दैट्स व्हाई डायग्राम में कम्स टू इंडिया फॉर स्पेसिफाइड पर्पज, ये नीचे देगी चीज है ये इंक्लूड होती है, इसलिए PROI है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बेर टेक्स्ट के हिसाब से। और फिर सर जो नॉन स्पेसिफाइड पर्पज के लिए आ रहा है उसका उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, इसलिए उसका स्टेटस कैरी फॉरवर्ड। और यही हमने अभी कंक्लूड किया डेफिनेशन के हिसाब से, कंसेप्ट समझ में आया। तो तुम्हारा जो डेफिनेशन है वहां लिख के रखो, PROI कैरी फॉरवर्ड, PROI काट के कैरी फॉरवर्ड, ये लिख के रखना वहां पे, क्लियर है। और ऊपर का सेंटेंस NSP देखा लास्ट स्टेटस लिखा, NSP देखा लास्ट स्टेटस लिखा, NSP देखा लास्ट स्टेटस लिखा, गो फॉर इट फास्ट। हेलो, चलो डन एवरीबॉडी, ये सबने लिख लिया। इसके एडिशन में जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके भी मार्किंग्स आपको करके रखने हैं, जस्ट होल्ड, किधर गया ये वाले, ये मार्किंग्स भी करके रखो इमीडिएटली, गो फॉर इट फास्ट। चलो मार्किंग हो गया सबका, ठीक है। सो NSP देखा लास्ट स्टेटस लिखा, समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, ये चीज को याद रखना, आइडिया क्लियर है। एक चीज होने के बाद अब मैं बैठ रहा हूं आगे, इन प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट केस खत्म नहीं हुआ, तुमको लग रहा समझ में आया पर नहीं आया क्योंकि अभी तक मैंने खत्म ही, मैंने शुरू ही नहीं किया, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इन प्रीवियस ईयर रेसिडेंस इज मोर देन 182 डेज, करंट ईयर में स्पेसिफाइड पर्पज के लिए, अब देखना तीन सिंपल रूल गोल्डन रूल में आपको बोलता हूं रेसिडेंशियल स्टेटस के, ये केस अगर सॉल्व करना है तो बहुत जरूरी है,
गोल्डन रूल नंबर वन, रेसिडेंशियल स्टेटस विल चेंज ओनली बिकॉज ऑफ एसपी. सो एसपी देखा, स्टेटस चेंज्ड लिखा. एसपी देखा, स्टेटस चेंज्ड लिखा. स्टेटस चेंज्ड लिखा. बोलो, एसपी देखा, स्टेटस चेंज्ड लिखा. एसपी देखा, स्टेटस चेंज्ड लिखा. एसपी देखा, स्टेटस चेंज्ड लिखा. और एनएसपी देखा, लास्ट स्टेटस लिखा. एनएसपी देखा, लास्ट स्टेटस लिखा. एसपी देखा, स्टेटस चेंज लिखा. एनएसपी देखा, लास्ट स्टेटस लिखा. सिंपल, बड़ा ही सिंपल मामला है. एसपी देखा, स्टेटस चेंज लिखा. एनएसपी देखा, लास्ट स्टेटस लिखा. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. मतलब एसपी से ही रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है. अगर स्पेसिफाइड पर्पज के लिए बाहर जा रहा है तो पी आर वाई, स्पेसिफाइड पर्पज के लिए अंदर आ रहा है तो पी आर आई. ठीक है, एनएसपी देखा, लास्ट स्टेटस लिखा. ये दो रूल. पर इन दो रूल से भी सबसे बड़ा एसिड टेस्ट रूल है, प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस इज मोर देन 182 डेज. आप ये तीन रूल मान लो, आपको कोई डरने किसी की जरूरत नहीं है. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. ये चीज को याद रखना. सिर्फ तीन रूल, प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस मोर देन 182 डेज, एसपी देखा, स्टेटस चेंज लिखा, एनएसपी देखा, लास्ट स्टेटस लिखा. सिंपल एज दैट. ये रूल मान लो. अब अगर आप रेडी हो तो मेरे साथ, अब इसमें मेरे को आपका बहुत सपोर्ट लगेगा. मैं आपको सुन सकता हूं टेलीपैथी से, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस आई कैन हियर यू. तो आपको मुझे आंसर देने हैं इन सिचुएशंस के जो अभी मैं लेने वाला हूं. आपको रेसिडेंशियल स्टेटस बोलना. अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो तुमको रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई हरा नहीं सकता, किसी का बाप नहीं हरा सकता, याद रखना. लेकिन ये चीज को अगर तुम सॉल्व करोगे तो. सो आर यू रेडी? सिंपल रूल, एसपी के लिए बाहर जा रहा है पीआर वाई, एसपी के लिए अंदर आ रहा है पीआर आई. एसपी के लिए बाहर पीआर वाई, एसपी के लिए अंदर पीआर आई. एनएसपी कुछ भी, किधर भी, कैसा भी आ रहा है या जा रहा है, स्टेटस लास्ट वाला जो आपने बोला उसी स्टेटस को बोलना है. ठीक है? सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? वेरी गुड, लेट्स गो. सो हम स्टेटस देख रहे हैं. ला 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 ला. सर आप पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो, इतने सारे स्टेटस देखने वाले बेटा अपन. सर मजाक कर रहे हो? हाँ बेटा, ये मजाक ही है. लेकिन ये मजाक आप कर लोगे तो आपके साथ मजाक नहीं होगा. तो पूरा ध्यान बोर्ड पे. अब मैं सिर्फ एरो निकालूंगा और स्टेटस बोलूंगा कि आ रहा है या जा रहा है. आपने मेरे को स्टेटस बोलना है कि वो उस पे, वो भैया पी आ रहा है या पी आर हुआ है, आपने बोलना है, आपने खुद ने बोलना. मैं आपको सुन सकता हूं, ये चीज को याद रखना. आपने नहीं बोला, आपको अटेम्प्ट की कसम, आपका एक्स आपके वाई के साथ भाग जाएगा, आपका वाई आपके एक्स के साथ भाग जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ तीसरे के साथ मिलकर भाग जाएंगे. ये चीज को याद रखना. अगर नहीं बोला तो अटेम्प्ट की कसम, जो तुम्हें मिलने वाली है वो मिलेगी नहीं, और जो तुम्हें मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा अगर तुमने ये नहीं बोला तो. याद रखना, लेट्स गो. सो मैं एरो निकालूंगा और बोलूंगा जा रहा है या आ रहा है एसपी या एनएसपी के लिए. तो आपने बोलना है स्टेटस क्या होगा. रेडी, लेट्स गो. बाहर जा रहा है स्पेसिफाइड पर्पज के लिए, स्टेटस शानदार पी आर वाई. अंदर आ रहा है स्पेसिफाइड पर्पज के लिए, स्टेटस पी आर आई शानदार. बाहर जा रहा है स्पेसिफाइड पर्पज के लिए, स्टेटस पी आर वाई शानदार. अंदर आ रहा है स्पेसिफाइड पर्पज के लिए, स्टेटस पी आर आई. बाहर जा रहा है नॉन स्पेसिफाइड पर्पज के लिए, स्टेटस पी आर आई. लास्ट स्टेटस कैरी फॉरवर्ड. अंदर आ रहा है नॉन स्पेसिफाइड पर्पज के लिए, स्टेटस पी आर आई. लास्ट स्टेटस कैरी फॉरवर्ड. बाहर जा रहा है एनएसपी के लिए, स्टेटस पी आर आई. अंदर आ रहा है एनएसपी के लिए, स्टेटस पी आर आई. बाहर जा रहा है स्पेसिफाइड पर्पज PR हुआ है. अंदर आ रहा है स्पेसिफाइड पर्पस PR है. बाहर जा रहा है स्पेसिफाइड पर्पस PR हुआ है. अंदर आ रहा है नॉन स्पेसिफाइड पर्पस PR हुआ है. लास्ट स्टेटस कैरी फॉरवर्ड. बाहर जा रहा है नॉन स्पेसिफाइड पर्पस PR हुआ है. अंदर आ रहा है नॉन स्पेसिफाइड पर्पस PR हुआ है. बाहर जा रहा है नॉन स्पेसिफाइड PR हुआ है. अंदर आ रहा है नॉन स्पेसिफाइड PR हुआ है. बाहर जा रहा है स्पेसिफाइड पर्पस PR हुआ है. अंदर आ रहा है स्पेसिफाइड पर्पस PR आए. बाहर जा रहा है स्पेसिफाइड पर्पस PR हुआ है. अंदर आ रहा है स्पेसिफाइड पर्पस पीआर आई. बाहर जा रहा है एनएसपी पीआर आई. अंदर आ रहा है एनएसपी पीआर आई. बाहर जा रहा है एनएसपी पीआर आई. अंदर आ रहा है एनएसपी. बोलो बोलो. बाहर जा रहा है एनएसपी. अंदर आ रहा है एनएसपी. बाहर जा रहा है एनएसपी. अंदर आ रहा है एनएसपी. अरे बोल तो रहो. बाहर जा रहा है एसपी एसपी पीआर आई. अंदर आ रहा है एसपी पीआर आई. बाहर जा रहा है एसपी पीआर आई. अंदर आ रहा है एनएसपी. बोलो.
बाहर जा रहा है एनएसपी, बोलो पीआरओ आए। अंदर आ रहा है एनएसपी, बोलो पीआरओ आए। बाहर जा रहा है एनएसपी, बोलो पीआरओ आए। अंदर आ रहा है एनएसपी पीआरओ आए, बाहर जा रहा है एनएसपी पीआरओ आए। अंदर आ रहा है एसपी पीआरआई, बाहर जा रहा है एनएसपी पीआरआई। अंदर आ रहा है एनएसपी पीआरआई, बाहर जा रहा है एसपी पीआरओ आए। अंदर आ रहा है एसपी पीआरआई, बाहर जा रहा है एसपी पीआरआई पीआरओ आए। अंदर आ रहा है एसपी पीआरआई, बाहर जा रहा है एसपी पीआरओ। अंदर आ रहा है एसपी पीआरआई, बाहर जा रहा है एसपी पीआरओ। अंदर आ रहा है एनएसपी पीआरओ आए, बाहर जा रहा है एनएसपी पीआरओ। अंदर आ रहा है एनएसपी पीआरओ आए, बाहर जा रहा है एसपी पीआरओ। अंदर आ रहा है एनएसपी पीआरओ आए, बाहर जा रहा है एसपी एनएसपी एसपी जो भी हो पीआरओ आए। अंदर आ रहा है एसपी पीआरआई, बाहर जा रहा है एनएसपी पीआरआई। अंदर आ रहा है एनएसपी पीआरआई, बाहर जा रहा है एनएसपी पीआरआई। अंदर आ रहा है एनएसपी पीआरआई, बाहर जा रहा है एसपी पीआरओ। अंदर आ रहा है एसपी पीआरओ, बाहर जा रहा है एनएसपी पीआरओ। अंदर आ रहा है एसपी पीआरआई। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से स्टेटस आपको समझ में आना चाहिए। आपके बुक में भी ऐसा एक ब्लैंक चीज होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, लेकिन उसके साइड में तीन रूल आपने लिख के रखने हैं। प्रीवियस ईयर में मोर देन 182 डेज, रूल नंबर 2, एसपी के लिए बाहर जा रहा अंदर आ रहा सिर्फ स्टेटस चेंज होगा। तीसरा, एनएसपी देखा लास्ट स्टेटस लिखा, ठीक है, गो फॉर इट फास्ट, लिखो इसको। समझ में आया क्या? आया समझ में सबको? बोलो आया क्या? नहीं आया, आ ही नहीं सकता। मैंने अभी तक खत्म नहीं किया, शुरू तो कर दिया, अब खत्म नहीं किया मैंने। तो आगे बढ़ते हैं अगला केस। सर ये एक डेफिनेशन तुम कितना चलाने वाले हो? मैं चलाने नहीं वाला, इंस्टीट्यूट ने इतने सवाल पूछे इसके ऊपर कि मैं मजबूर हूं, मजदूर भी हूं, कि मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस मोर देन 182 डेज, करंट ईयर में स्पेसिफाइड पर्पज के लिए बाहर गया, स्टेटस पीआरओ आए। अब तो ये रगो रगो में दौड़ना चाहिए, खून में दौड़ना चाहिए, और आपको ऐसे चिल्लाना चाहिए सोते वक्त, हे पीआर आए। घर वालों को टेंशन आना चाहिए, क्या पढ़ लिया इसने। वापस आया एनएसपी के लिए, स्टेटस पीआरओ आए। एसपी के लिए गया, पीआरओ आए। एनएसपी के लिए आया, पीआरओ आए। एसपी के लिए बाहर ही रह गया, एनएसपी के लिए अंदर आया था, सॉरी माय मिस्टेक, बाहर गया था एसपी के लिए, पीआरओ आए बन गया। एनएसपी के लिए अंदर आया दोस्तों से मिलने, रिलेटिव से मिलने, पीआरओ आई ही है। पर यहां आके इसने वड़ा पाव की गाड़ी डाल दी, वड़ा पाव, पाव भाजी, या आपके यहां का जो भी लोकल फूड अच्छा होगा, आई गेस, बोलो हाँ है ना। तो एसपी के लिए है ना, अलग अलग एरियाज के फूड क्या, इंदौर, मैं इंदौर गया था बीच में, इंदौर इज अ फूड कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या डिशेस, खतरनाक डिशेस। तो एसपी यहीं पे गाड़ी डाल दी, इंदौर में वो है ना सराफा, सराफा में रात को गाड़ी डाल दी स्पेसिफाइड बिजनेस की। तो यही आपने वड़ा पाव की गाड़ी डाल दी, दिल्ली में कचोरी, कचोरी की गाड़ी डाल दी, महाराष्ट्र में वड़ा पाव की गाड़ी डाल दी, बोलो स्टेटस क्या होगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में बंदे का स्टेटस हो जाएगा पीआरआई, क्योंकि स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अब इंडिया में रह रहा है। दिस इज अ मीनिंग ऑफ द वर्ड हु कम्स टू इंडिया और हु स्टेज इन इंडिया। ये तो हम भूल ही गए थे सर कि स्टेज इन इंडिया भी वर्ड है, ये मीनिंग होता है बच्चों स्टेज इन इंडिया का। क्लियर है? इंडिया में रह के बिजनेस शुरू कर दिया। प्रीवियस ईयर में मोर देन 182 डेज, करंट ईयर में स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया, स्टेटस पीआर हुआ है। स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अंदर आया, पीआर आए। स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अंदर आया, पीआर आए। एनएसपी के लिए बाहर गया घूमने फिरने के लिए, पीआर आए, स्टेटस पीआर आई रहेगा ना। एंड बाहर वड़ा पाव की गाड़ी डाल दी, कचोरी की गाड़ी डाल दी, बोलो। तो ऐसे सिचुएशन में स्टेटस पी आर ओ आई क्या होगा? पी आर ओ आई, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेज आउटसाइड इंडिया, स्टेज आउटसाइड इंडिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसको भी नोट कर लो, केस नंबर 10 और 11 में, गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन, एवरीबडी यस और नो, हो गया सबका। चलो अब मैं जरा ले रहा हूं दो तीन साल का थोड़ा सा कंबाइंड स्टेटस आपको समझाने के लिए कि दो तीन साल का अगर उन्हें पूछा तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो मैं फाइनेंशियल ईयर ले रहा हूं 24 25 25 26 26 27। ठीक है, तीन साल ले रहा हूं, सो अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर आएगा सबको। लेट्स गो। सबसे पहला स्टेप, रेसिडेंस 25 26 में इज मोर देन 182 डेज। फर्स्ट स्टेप में 25 26 में मोर देन 182 डेज है। सेकेंड स्टेप में वो स्पेसिफाइड पर्पज के लिए बाहर गया, सेकेंड स्टेप में स्पेसिफाइड पर्पज के लिए बाहर गया, क्लियर है। और वो बाहर चला गया 25 26 के एंड में, 182 दिन 25 26 में रहा था और ईयर के एंड में बाहर चला गया, स्पेसिफाइड पर्पज के लिए जॉब करने के लिए बाहर चला गया। मतलब पिछले साल पूरा 182 दिन रहा और पिछले साल के एंड में ही बाहर चला गया फॉर द पर्पज ऑफ जॉब, पिछले साल के एंड में बाहर चला गया फॉर पर्पज ऑफ जॉब। अब ये साल उसका शुरू हुआ जब वो बाहर ही जॉब कर रहा है, तो सवाल है उसका स्टेटस 26 27 के लिए क्या होगा, क्योंकि 25 26 में तो 182 दिन से ज्यादा है, तो उसका स्टेटस क्या होगा। अब आपको अगर यह समझना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि 25 26 का स्टेटस क्या है उसका, क्योंकि जो 25 26 का स्टेटस है वही आगे कैरी फॉरवर्ड हम करेंगे, क्योंकि यहां पे तो वो बाहर ही है, यहां पे तो ये 26 27 में तो बाहर ही है ना, तो 25 26 का स्टेटस क्या है। और 25 26 का स्टेटस समझना है तो 24 25 में कितने दिन है वो समझना पड़ेगा। वापस सुनना, रेसिडेंस मोर देन 182 डेज 25 26 में और उसी साल के एंड में बाहर चला गया, तो 26 27 का स्टेटस क्या है। अब 26 27 का स्टेटस ढूंढना है तो 25 26 का स्टेटस, एंड का स्टेटस देखना पड़ेगा, वही स्टेटस आगे कैरी होगा ना, वही तो स्टेटस आगे कैरी होगा। पर 25 26 का स्टेटस, एंड का स्टेटस निकालने के लिए 24 25 में जाके देखना पड़ेगा, बिकॉज उसका टाइम समय मायने रखता है। तो अज्यूमिंग रेसिडेंस इज मोर देन 182 डेज इन 24 25 एंड इन 25 26 एट द एंड ऑफ द ईयर ही इज गोइंग आउट फॉर एम्प्लॉयमेंट, खाया पिया जिया यहां पे, एजुकेशन यहां पे लिया, बाहर जा रहा है, देशद्रोही स्टेटस हो गया PROI। क्या स्टेटस हो गया? PROI। और 25 26 के एंड में स्टेटस PROI है, इसलिए 26 27 का भी स्टेटस PROI। वही अगर अगर ऐसा हुआ कि 26 27 में वो वापस आ गया स्पेसिफाइड पर्पज, अब मैं यहां नहीं लिख सकता इसलिए मैं नीचे लिखा 26 27 के लिए, वो स्पेसिफाइड पर्पज के लिए इन बिटवीन द ईयर वापस आ गया, तो स्टेटस PROI हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा है और करंट ईयर में स्पेसिफाइड पर्पज इंडियन गवर्नमेंट के GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करने वापस आ रहा है, इसलिए PROI। आपकी बुक में भी डायग्राम होगा, एक बार चेक कीजिए, गो फॉर इट फास्ट। यहां मैं कुछ लिख रहा हूं वो भी लिख के रखना। लिख लो, चलो हो गया, लिख लिया सबने, बहुत बढ़िया। नहीं हुआ तो पॉज करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं बैठा हूं आगे, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है। समझ में आया क्या? नहीं आया क्योंकि अभी तक मैंने खत्म ही नहीं किया, कैसे आएगा। चलो समझो, एक एयर होस्टेस थी, एयर होस्टेस है नलायक को, अब बराबर ध्यान आया होगा, 3 घंटे टीचर चिल्ला चिल्ला के पढ़े तब ध्यान नहीं जाएगा। एयर होस्टेस, सर वाह अच्छा लग रहा है नलायक लोग। सो समझो एक एयर होस्टेस थी और ये एयर होस्टेस है समझो कतार एयरलाइंस की, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं दुबई से कतार एयरलाइन की फ्लाइट उड़ती है या नहीं, बट एक एग्जाम्पल ले रहे,
कतार एयरलाइंस की ये एयर होस्टेस दुबई से उड़ान भरती थी, मुंबई आती थी, और मुंबई से वापस उड़ान भरती थी, कतार जाती थी, दुबई जाती थी, सॉरी दुबई जाती थी। और ये पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए उसको, मतलब यहां से यहां और यहां से यहां, ये ट्रिप कंप्लीट करने के लिए उसको 24 घंटे लगते थे। 24 घंटे पूरे ये एयर होस्टेस हवा में रहती थी, हवा में, एयर होस्टेस है, हवा में रहना जरूरी है। सो 24 घंटे पूरी एयर होस्टेस हवा में रहती थी। इस वजह से इसके हेल्थ के ऊपर असर ना हो, इसलिए इसको 2 दिन का लेओवर दिया जाता था दुबई में। 2 दिन का लेओवर कहां दिया जाता था? दुबई में। अगर आप इसको प्रॉपरली चेक करो तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन बनता था। अब दुबई में हो गया बॉम्ब ब्लास्ट, दुबई में क्या हो गया? बॉम्ब ब्लास्ट। तो इस वजह से इसका 2 दिन का लेओवर सेफ्टी रीजंस की वजह से शिफ्ट कर दिया गया मुंबई। अब ये एक दिन हवा में, 24 घंटे हवा में, एक दिन हवा में और 2 दिन मुंबई में। अगर ये इसका सिचुएशन है कि भैया एक दिन हवा में, 2 दिन इंडिया में, ये पूरे महीना भर चला तो 30 दिन होते हैं, तो 10 दिन हवा में, 20 दिन इंडिया में, ये पूरा एक साल चला तो 120 दिन हवा में, 240 दिन इंडिया में। अब अगर ये इसका सिचुएशन है 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए, 25-26 फाइनेंशियल ईयर में ये हालत है इसकी कि 240 दिन इंडिया में रह रही है लड़की, और मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए 26-27 का, रेसिडेंशियल स्टेटस मुझे चाहिए, क्या स्टेटस है ये चाहिए, तो मुझे 25-26 में देखना पड़ेगा, और 25-26 में तो मोर देन 182 डेज रह रही है, 240 दिन रह रही है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये 25-26 में 240 दिन है, दैट इज मोर देन 182 डेज इन इंडिया, तो क्या 26-27 का रेसिडेंशियल स्टेटस काउंट करते वक्त मैं इसको पीआरआई समझू या पीआरवाई समझू? इन बेसिक्स क्या मैं इन 240 दिनों को 182 काउंट करने के लिए यूज करूं या नहीं करूं? समझाइए मुझे। लाला एयर होस्टेस को ना देखिए, मैं छुपा देता हूं इसको, एयर होस्टेस छुप गई, लेट्स गो। सो बताइए मुझे स्टेटस, तुम उसी में भटक जाओगे ना लायक, एयर होस्टेस छुप गई, हाँ बताओ मुझे स्टेटस क्या होगा? क्या मैंने इसको, अगर देखो तुमने 240 डेज को 182 डेज के लिए काउंट किया तो स्टेटस उसका 26-27 में पीआरआई होगा। अगर तुमने 240 डेज को 182 के लिए काउंट नहीं किया तो स्टेटस पीआरओआई हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 182 है ही नहीं। बताइए बताइए बताऊं, हम 240 डेज को ये 182 के लिए काउंट नहीं करेंगे तो इसका स्टेटस इस साल पीआरआई नहीं हो सकता, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉब के लिए एंड जॉब के वजह से। इफ यू आर गोइंग फॉर द जॉब देन योर स्टेटस विल चेंज, इफ यू आर कमिंग फॉर द जॉब योर स्टेटस विल चेंज, बट इफ यू आर कमिंग बिकॉज ऑफ जॉब, जॉब तो बाहर है, पेरोल बाहर है, पेरोल दुबई में है, जॉब बाहर है, यह लड़की को 15-20 दिन की आप छुट्टी दे दो लाइन से, तो ये कहां जाके रहना चाहिए? ये दुबई जाके रहना चाहिए, इसका घर बार संसार कहां है? घर है सर, बार नहीं, माय मिस्टेक, सॉरी बार नहीं। सो इसका घर संसार कहां है? दुबई में। इसको छुट्टी दो 15-20 दिन की, बोलेगी दुबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, मैं वहीं जाके रहूंगी, वहीं जाके रहूंगी बोल रही है। अब ये सिर्फ तन से यहां पे है, तन से यहां पे है, मन से यहां नहीं है, सिर्फ तन से यहां है, मन से नहीं है। जो बंदा हमारे यहां सिर्फ तन से और मन से नहीं है, क्या हम उसको रेसिडेंट मानेंगे? कोई अगर हमारा हो तो मन से हो, तन से तो गलत मत सोचो नलायको गंदे लोगों, कोई हमारा हो तो मन से हो, मन से हो, चुप, मन से हो, ठीक है? सो कोई हमारा हो तो मन से हो, तो ये हमारा मन से नहीं हो सकती। तो ऐसे सिचुएशन में इसका स्टेटस क्या रहेगा? पी आर ओ आई। आपके बुक में केस मैंने एक्सप्लेन किया है। एक और केस सार, हाँ बोल बेटा क्या हो गया, क्यों ऐसे चिल्ला रहा है सर करके? सार सार, अरे बोल बेटा। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टन पीरियड? सवाल बड़ा खास पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टन पीरियड? बताइए जरा मेरे को क्या होगा मीनिंग इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंशन टू स्टे फॉर आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टन पीरियड? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो बताओ? अब आप बोलोगे कि सर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेरे को आवाज सुनाई दे रही है आपको, मेरे टेलीपैथी आ रही है, बोला होगा आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया। मेडिकल ट्रीटमेंट में मेडिकल वीजा मिलता है, वो भी स्पेसिफाइड डेज का, आपका ऑपरेशन का डेट प्लस उस ऑपरेशन के बाद आपको ठीक होने के लिए नॉर्मली कितने डेज लगते हैं उतना एवरेज वीजा आपको मिलता है।
समझ में आ रहा है आपको? तो मेडिकल वीजा इज नॉट अनसर्टन सर, एजुकेशन एजुकेशनल वीजा इज नॉट ऑल्सो अनसर्टन, वर्क वीजा इज नॉट ऑल्सो अनसर्टन, मुझे अनसर्टन पर्पज चाहिए, बताओ। आप जो सुन रहे हो सब सोच रहे हो सब आ रहा है मेरे दिमाग में, बताओ क्या है? समझो कोई पतिव्रता पत्नी है, पतिव्रता पत्नी, पति के चरणों में जिसका स्वर्ग है, पति के चरणों में जिसका स्वर्ग है, ऐसे इंडियन पतिव्रता पत्नी की किसी एनआरआई के साथ शादी होगी, एनआरआई नॉन रिक्वायर्ड इंडियन सॉरी नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, इसकी किसी एनआरआई लड़के के साथ शादी हुई, शादी होने के बाद एनआरआई का जॉब ऑस्ट्रेलिया में है, एनआरआई बाहर जाना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया, अकेला थोड़ी जाएगा, पत्नी को लेके जाएगा। आप पत्नी से पूछो क्यों बाहर जा रही है, बोलेगी मोरे पिया जा रहे हैं इसलिए मैं जा रही हूं। पूछो क्यों, बोले पति के चरणों में स्वर्ग है। पूछो कब आएगी, बोले मोरे पिया जब लौट आएंगे मैं भी आ जाऊंगी। अनसर्टन पीरियड, मैं नहीं बोल रहा ये बोला है मद्रास हाई कोर्ट ने, जब उन्हें पूछा गया अनसर्टन पीरियड इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टन पीरियड का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? यह है इंटेंशन। अब लड़कियों को बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी, उनके लिए दूसरा एग्जांपल, आपने वो मूवी देखा है सिंगिस किंग वाला, सिंगिस किंग है ना, सिंगिस किंग में अक्षय कुमार खुद के दोस्त को ढूंढने के लिए बाहर गांव चले जाता है और बोलता है, बाहर देश चले जाता है और बोलता है जब मेरा दोस्त आएगा तभी मैं वापस आऊंगा, है ना। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, वो नहीं वो सलमान खान का डायलॉग है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, हाँ जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। सो अक्षय कुमार चला गया दोस्त को ढूंढने के लिए, तो मुझे एक बात बताओ जब दोस्त आएगा तब आएगा? इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टन पीरियड। दोनों केसेस तुम्हारे बुक में लिखे रखे हैं, एक बार चेक कीजिए, गो फॉर इट फास्ट। चल चेक करना, हो गया सबका, हो गया सबका, ये सुनना, समझ में आया? नहीं आया, आ ही नहीं सकता, अभी तक मैंने खत्म कहां किया। अगली चीज समझो, तुम्हारे दो, समझो तुम्हारे दो वाले क्या कहते हैं उसको, दो ड्रीम्स थे, एक तुमको करना था सीए, और सीए करने के बाद तुम्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करना था एमबीए। क्या करना था? एमबीए फाइनेंस में। फिर तुम सीए में आए, और जैसे ही सीए में आए तुम्हारा दूसरा ड्रीम ड्रीम ही रह गया, यही होता है। अब तुम सीए तो कर लिए पर तुम्हारा एमबीए नहीं हो पाया, फॉरेन एजुकेशन तुम्हें करना, तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो अब तुम चाहते हो तुम्हारा सन या तुम्हारी डॉटर, अभी तक हुए नहीं है पर होंगे ना, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे, जिंदगी पे मारो ऐसा छापा कि हर गली से आवाज आए पापा पापा, नालायक नहीं, ठीक है। सो तुम्हारा सन या तुम्हारे डॉटर, ठीक है, ये
फॉरेन में एडुकेशन लेने जा रहे हैं, बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक 4 साल का बीटेक, तो जा रहे हैं फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 12-13 से लेकर 15-16 तक 4 साल फॉरेन में जाके एडुकेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, क्या स्टेटस होना चाहिए। 10-11 में वो इंडिया में ही थे, 11वीं 12वीं कंप्लीट कर रहे थे, इंडिया में ही है, रेसिडेंशियल स्टेटस PRI क्योंकि इंडिया में ही रह रहे हैं। 11-12 में भी इंडिया में ही है, रेसिडेंशियल स्टेटस PRI क्योंकि प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस इज मोर देन 182 डेज था, ऑब्वियसली इंडिया में थे। तो 12-13 में फॉर गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एजुकेशन, गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं, स्टेटस क्या होना चाहिए? एजुकेशन वेदर इट इज अ स्पेसिफाइड पर्पस, वेदर इट इज अ स्पेसिफाइड पर्पस, नहीं, तो एज पर मैं डेफिनेशन बोलू, एज पर डेफिनेशन तो स्टेटस रहेगा PRI क्योंकि प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस इज मोर देन 182 डेज, तो स्टेटस तो PRI रहेगा क्योंकि एजुकेशन इज नॉट स्पेसिफाइड पर्पस, और नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए स्टेटस कैरी फॉरवर्ड होता है, तो लास्ट स्टेटस PRI कैरी फॉरवर्ड होगा। पर RBI ने खुद के सर्क्यूलर में एक्सप्लेन किया है कि कोई भी एजुकेशन के लिए बाहर जाता है भले ही प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा हो लेकिन उसका स्टेटस PROI होगा, ये RBI ने क्लैरिफाई किया है। किसने क्लैरिफाई किया है? RBI। तो आपको डेफिनेशन वाला मीनिंग मानना है क्या? नहीं, आपको डेफिनेशन वाला मीनिंग मानना है क्या? नहीं, आपको RBI वाला मीनिंग मानना है। सर RBI छोड़ो, हमें मार्क्स RBI नहीं देता, व्हाट अबाउट IGAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो बोलता है क्या? थोड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इस बार, पहले ICIA एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, अभी जो नए मॉड्यूल्स रिलीज हुए ना उसके हिसाब से ICIA में पिछले 4 साल से चिल्ला रहा था ऐसा है करके, लेकिन इस बार ICIA ने एक्सेप्ट किया है कि स्टेटस विल बी PROI। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? तो स्टेटस अब ICIA के हिसाब से भी PROI, RBI के हिसाब से भी PROI, डेफिनेशन का नहीं मानना है, सिर्फ एजुकेशन के केस में। अगले साल फॉरेन में ही है, फॉरेन में ही है ना, तो स्टेटस क्या होगा? तो यहां तो स्टेटस स्टेट अभी PROI ही हो जाएगा। सर PROI कैसे होगा? पीछे तो बेटा प्रीवियस ईयर में तो रेसिडेंस लेस देन 182 डेज था ना, तो ऑटोमेटिक PROI हो जाएगा, ठीक है, तो सवाल ही नहीं। RBI ICIA क्या कहता है? उसके अगले साल का भी स्टेटस PROI बिकॉज प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस इज लेस देन 182 डेज। उसके अगले साल का स्टेटस भी PROI क्योंकि प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस इज लेस देन 182 डेज। मुझे बताओ उसके अगले साल तुम्हारा बेटा या बेटी इंडिया में वापस आए? आयो रे, बताओ स्टेटस क्या होगा? स्टेटस होगा PR, मैं नहीं बताऊंगा, PROI, क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस इज लेस देन 182 डेज और यहां RBI का कोई भी सर्कुलर नहीं है, तो ये स्टार मार्क। उसके अगले साल इंडिया में है, स्टेटस क्या होगा? PRRI क्योंकि प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस इज मोर देन 182 डेज एंड करंट ईयर में अनसर्टन पीरियड या जॉब वॉब के लिए इंडिया में है। उसके अगले साल भी स्टेटस PRI क्योंकि रेसिडेंस इज मोर देन 182 डेज। यह है एजुकेशन के केस में स्टेटस। ये स्टार मार्क है, ट्रिपल स्टार मार्क ICIA RBI एक चीज बोलता है, याद रखना, पहले अलग अलग बोला करते थे। तो अगर आपको मेरे किसी एक स्टूडेंट ने बोला नहीं ICIA के नहीं, तो उसको बोलना नहीं अब ICIA का भी व्यू चेंज हो चुका है, क्लियर है कंसेप्ट? इसको मार्क कर लो, गो फॉर इट फर्स्ट। मार्क कर लिया सबने?
चलो डन। चलो सबका हो गया, नहीं हुआ तो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। ओके, ये चीज होने के बाद अब आते हैं हम बॉम्बर्स के ऊपर। सार बोलो बेटा। सर बॉम्बर्स क्या है? बॉम्बर्स ये वो चीज है जो आपके दिमाग पे परे है, जो दिमाग के परे है, जो टफ है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो आउट ऑफ लॉजिक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। ओवरऑल सब अजीबो गरीब और इंपॉर्टेंट चीजें एक जगह पे, क्लियर है? जैसे पहला ही बॉम्बर देखोगे समझ जाओगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फेमा एंड इनकम टैक्स। ठीक है, ये सवाल है कि फेमा और इनकम टैक्स के रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या फर्क है। अब ये मॉड्यूल वगैरह में नहीं देखे रखा है, लेकिन ये हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो देखना, फेमा में रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने का जो पर्पज है, फेमा का जो पर्पज है रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने का, वो ये है कि हम असेसमेंट ऑफ इनकम कर पाए। असेसमेंट ऑफ इनकम, सॉरी माय मिस्टेक, इनकम टैक्स में जो, माय मिस्टेक, वेरी सॉरी, इनकम टैक्स में जो पर्पज है वो है असेसमेंट ऑफ इनकम। फेमा में जो पर्पज है रेसिडेंशियल स्टेटस का, दैट इज अप्लीकेशन ऑफ फेमा, अप्लीकेशन ऑफ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का अप्लीकेशन, क्लियर है? फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स में हम फाइनेंशियल ईयर कौन से फाइनेंशियल ईयर का स्टेटस ले रहे हैं, तो इनकम टैक्स में ईयर ऑफ इनकम, ईयर ऑफ इनकम का ही हम स्टेटस निकालते हैं। ईयर ऑफ इनकम जिस साल का इनकम है उसी साल का हम स्टेटस ले रहे हैं। फेमा में हम प्रीवियस ईयर कंसिडर करते हैं फॉर करेंट ईयर स्टेटस। नंबर ऑफ डेज इनकम टैक्स में मोर देन और इक्वल टू 182 डेज है, फेमा में मोर देन 180 डेज है, 182 डेज है, मोर देन 182 डेज। इनकम टैक्स में ईयर इन क्वेश्चन इज असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। फेमा में ईयर इन क्वेश्चन इज करंट ईयर, करंट ईयर का स्टेटस क्या है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? सिटीजनशिप, ये तो अब ये डिफरेंस नहीं है, ये क्वाइट सिमिलैरिटी है, तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा सिमिलैरिटी, सिमिलर। दोनों में सिटीजनशिप इज नॉट रिलेवेंट, मतलब इनकम टैक्स का तो मुझे इनकम टैक्स के टीचर्स ने ही बोला, इसलिए मैं मान रहा हूं नॉट रिलेवेंट, सिटीजनशिप इज नॉट रिलेवेंट। समझ में आ रहा है सबको? ये डिफरेंस है इनकम टैक्स और फीमा का, लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट।
हो गया सबका लिखना? नहीं हुआ तो पॉज करके लिख लीजिए प्लीज। हो गया सबका? वेरी गुड। ये चीज होने के बाद में अब मैं जा रहा हूं आर्टिफिशियल पर्सन के रेसिडेंशियल स्टेटस पे, और इसके लिए तीन पॉइंट्स जो है वो हमको पहले डेफिनेशन के पढ़ना जरूरी है जो हमारे डेफिनेशन में दिए हैं। तो जहां डेफिनेशन का बेरेटेक्स दिया है बच्चों, वो पेज के ऊपर वापस आ जाइए प्लीज। जहां हमने डेफिनेशन का बेरेटेक्स देखा वो जगह पर वापस आइए। ये वाला बेरेटेक्स आपके इसमें होगा ना, बुक में, हाँ है ना? आइए प्लीज, दिखा सबको। अब हमको पॉइंट नंबर 2, 3, 4 पढ़ना है। पॉइंट नंबर 2, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। कोई भी पर्सन है या बॉडी कॉर्पोरेट है जो इंडिया में रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड है, तो एनी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का इंडिया में ब्रांच ऑफिस एजेंसी है वो भी, और ये सब ये लाइन का एक्सटेंशन है। पर्सन रेसिडेंट इंडिया मीन मतलब कोई भी कंपनी या रजिस्टर्ड या कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन इंडिया में बना है तो PRI है। कोई भी इंडिया का ब्रांच ऑफिस एजेंसी है जो बाहर से कंट्रोल होता है वो भी PRI है। एनी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बाहर कोई ऑफिस ब्रांच और एजेंसी है जो इंडियन पर्सन ने कंट्रोल किया है वो भी PRI है। ये चीज को आपको समझना बड़े अच्छे से जरूरी है। ये समझ में आए? अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल बना रहा हूं, चाहिए तो इसको 20 सेकंड लीजिए, वापस से एक बार वापस पढ़िए, मैं चाहता हूं क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो, हो गया सबका? वेरी गुड। अब ये है बच्चों, सबसे पहले समझो माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड कौन सी कंपनी है, बोले एक बार जो से, माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड जो इनकॉर्पोरेटेड है यूएस में। कहां इनकॉर्पोरेटेड है? यूएस। तो इसका स्टेटस क्या होगा बताइए जरा, इनकॉर्पोरेटेड यूएस में तो स्टेटस होगा PRY, क्योंकि इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। अब यह कंपनी का इंडिया में एक सब्सिडरी है, ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है, समझो कोई ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है, ब्रांच ऑफिस या एजेंसी, ठीक है, इंडिया में है, विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय PRY, या तो फिर मैं समझता हूं इंडिया में इसका कोई सब्सिडरी है, इसका समझो ये सब्सिडरी है तो इसका नाम है, अगर सब्सिडरी है तो नाम है माइक्रो हार्ड लिमिटेड। हमको उल्टे उल्टे काम करने की आदत है ना, उधर सॉफ्ट है इधर हार्ड है, बहुत हार्ड बहुत हार्ड है ना, तो हार्ड माइक्रो हार्ड लिमिटेड। सो इसका स्टेटस क्या होगा? तो इसका बच्चों स्टेटस होगा PRI, क्योंकि रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, अगर सब्सिडरी है तो, अगर सब्सिडरी है तो रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, और ब्रांच ऑफिस एजेंसी है तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर 2, 3, 4 पॉइंट है ना, तो पॉइंट नंबर 2 में सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इसलिए PRI होगी, पॉइंट नंबर 4 में ब्रांच ऑफिस एजेंसी इन इंडिया कंट्रोल्ड बाय PRY इसलिए PRI होगी, पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? और उसके बाद में अगर इस सब्सिडरी ने बाहर ऑस्ट्रेलिया में किसी ब्रांच ऑफिस एजेंसी या सब्सिडरी को कंट्रोल करके रखा है, ब्रांच ऑफिस एजेंसी या सब्सिडरी को कंट्रोल करके रखा है बाहर, समझ में आ रहा है, ब्रांच ऑफिस एजेंसी या सब्सिडरी को बाहर कंट्रोल करके रखा है, तो इसका स्टेटस क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसका भी स्टेटस होगा PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि बाहर ब्रांच ऑफिस एजेंसी है जो हम कंट्रोल कर रहे हैं। और इसका अगर अफ्रीका में इन्होंने अगर ये नहीं पता होगा, डेफिनेशन में ये नहीं लिखा है, ऑस्ट्रेलियन सब्सिडरी में अफ्रीका के अंदर ब्रांच ऑफिस एजेंसी है या सब्सिडरी है उसको कंट्रोल करके रखा है, उसको कंट्रोल करके रखा है, क्या स्टेटस होगा? बोलो क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा? तो याद रखना इसका स्टेटस भी PRI होगा, क्योंकि एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी विच इज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय PRI, चौथे पॉइंट में लिखा है ओन्ड और कंट्रोल बाय PRI, और ये तो PRI ही है ना, ये अगर PRI है और इंडिया के बाहर ही अगर किसी को कंट्रोल करता है तो वो भी PRI है, सिंपल। अगर ये सब्सिडरी के बाहर और 5-10 सब्सिडरी है, सबका स्टेटस क्या होगा? PRI, क्योंकि चौथे पॉइंट में लिखा है एनी ऑफिस ब्रांच एजेंसी आउटसाइड इंडिया अंडर कंट्रोल्ड बाय PRI इज PRI। समझ में आ रहा है? ये चीज को याद रखना, मतलब चेन में, ये चेन है, चेन में एक कड़ी PRI हो गई तो नीचे की सब कड़ियां ऑटोमेटिक PRI हो जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? और वैसे भी एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा है, असेसमेंट ऑफ इनकम थोड़ी है, असेसमेंट ऑफ इनकम के लिए अलग प्रोविजन देखना इनकम टैक्स के, यहां तो सिर्फ फेमा एप्लीकेबल करना है, चलेगा, डिस्क्लोजर ही चाहिए ना, डिस्क्लोजर के लिए चलेगा, ठीक है? तो लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन एवरीबॉडी, लिख लिया सबने, वेरी गुड। सो यहाँ आपका आर्टिफिशियल पर्सन का भी रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म होता है, पर कुछ रेसिडेंशियल स्टेटस के बॉम्बर्स है उनको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर ले। बॉम्बर नंबर थ्री, वॉट विल बी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एजुकेशन एंड जॉब टुगेदर। ये बच्चे मेरे को पूछते हैं कई बार कि सर जो बंदा एजुकेशन और जॉब के लिए एक साथ बाहर जा रहा है उसका क्या? अब ये डिपेंड है बेटा, डिपेंड नहीं है। अब तो स्टेट अवे सीधा रेसिडेंशियल स्टेटस आरबीआई और आईसीआई के हिसाब से पीआरओआई ही आएगा, क्योंकि एजुकेशन के लिए जाए तो अभी पीआरओआई है, जॉब के लिए जाए तो वैसे ही पीआरओआई है, डेफिनेशन के हिसाब से तो लिखना। एज पर सर्कुलर ऑफ आरबीआई, एज पर सर्कुलर ऑफ आरबीआई, ये बॉम्बे नंबर थ्री में, एज पर द सर्कुलर ऑफ आरबीआई, या जहां पे भी ये क्वेश्चन होगा वहां पे नंबर आई एग्जैक्टली डोंट नो, एज पर द सर्कुलर ऑफ आरबीआई एक्सेप्टेड बाय आईसीएआई, एक्सेप्टेड बाय आईसीएआई, द रेसिडेंशियल स्टेटस, द रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी द रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी पी आर ओ आई, रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी पी आर ओ आई, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब आपके बुक में एमसीक्यू वगैरह के फॉर्म में दिया होगा, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जिंदा है अभी यहाँ पे, तो इसको एमसीक्यू के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉट ए इशू। तो देखना, सो स्टेटस गोइंग आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया बट पी आर हुआ है, सिटीजन ऑफ इंडिया बट पी आर आए, तो यहाँ पे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, द स्टेटस विल बी पी आर हुआ है, ठीक है। वेदर माइनर हैव रेसिडेंशियल स्टेटस इन फेमा, क्या माइनर को रेसिडेंशियल स्टेटस होता है? यस, माइनर हैव द रेसिडेंशियल स्टेटस इन फेमा, वो भी नॉर्मल जैसा, ठीक है। तो वहां आंसर में लिखना, माइनर जगह नहीं दी है वैसे, एक लाइन में ही खत्म हो जाएगा, लिखना माइनर हैव रेसिडेंशियल स्टेटस एज दैट ऑफ नॉर्मल स्टेटस गिवन इन डेफिनेशन, माइनर हैव रेसिडेंशियल स्टेटस एज दैट ऑफ नॉर्मल स्टेटस गिवन इन डेफिनेशन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। फिर उसके बाद बॉम्बर, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, कोई अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है इंडिया में है या इंडिया के बाहर है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? तो अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, कौन सी फर्म बोले एक बार, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, तो ऐसे सिचुएशन में उसका स्टेटस हम आर्टिफिशियल पर्सन के पॉइंट नंबर 2, 3, 4 के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि पहला जो पॉइंट नंबर 2 है, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन के लिए जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें लिखा है रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड, और इनकॉर्पोरेटेड वर्ड इंक्लूड्स कमेंस्ड, तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है भले ही अनइनकॉर्पोरेटेड है पर कमेंस्ड तो है, बिजनेस तो शुरू किया है, तो इनकॉर्पोरेटेड वर्ड में आएगी, और जहां वो बिजनेस कमेंस करती है वहां का स्टेटस होगा। तो पहले आंसर में रीजन लिखा, फिर ऑप्शन टिक करते। इवन दो पार्टनरशिप फर्म इज अनरजिस्टर्ड, इवन दो पार्टनरशिप फर्म इज अनरजिस्टर्ड, बट इफ इट हैव कमेंस्ड बिजनेस इन इंडिया, स्टेटस विल बी पी आर आई बिकॉज द वर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन द डेफिनेशन इंक्लूड्स कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, द वर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन द डेफिनेशन इंक्लूड्स कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, द वर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन द डेफिनेशन इंक्लूड्स कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और जो सही ऑप्शन लग रहा है टिक कर लो उसको इमीडिएटली, गो फॉर इट फास्ट, ठीक है। यहां हमारे सभी डेफिनेशंस फेमा के इंपॉर्टेंट वाले होते हैं खत्म। अब मैं जरा स्टार्टिंग से नोट्स में आ जाइए, सब कुछ कवर हुआ क्या एक बार देख लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। और नोट्स के अंदर मैंने पूरा मॉड्यूल का भी जो कंटेंट है जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है पर मॉड्यूल में दिया है वो भी ले लिया है। अब जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का डेफिनेशन मैं रीड करता हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ जाओगे पढ़ते सही। मीन्स एन ऑफिसर ऑथोराइज अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16(1). अब सेक्शन 16(1) में जब हम देखेंगे तो सेक्शन 16 हमारे कोर्स में है, जब हम देखेंगे तो पता चलेगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल एज एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 18, तो हम सेक्शन 18 में देखेंगे क्या होता है।
करेंसी, ये डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इंक्लूड ऑल करेंसी नोट्स, पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स, चेक्स, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड एंड सच अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी नोटिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मतलब हर इंस्ट्रूमेंट, सिंपली ऑल इंस्ट्रूमेंट नोटिफाइड बाय आरबीआई. लिख के रखिए, साइड में भी लिख सकते हो, ऑल इंस्ट्रूमेंट नोटिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई. ये लिख के रखना. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को याद रखना. फिर करेंसी नोट्स वाला एग्जांपल, डेफिनेशन मींस एंड इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स. करेंसी नोट्स में कॉइन्स एज वेल एज बैंक नोट्स दोनों आता है. फिर फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या है क्या नहीं, तो ठीक है. सो ये हमने दे दिया है. फॉरेन एक्सचेंज के डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये आपका फिल्डअप हुआ होगा. फॉरेन सिक्योरिटी के डेफिनेशन देख चुके हैं, ये भी आपका फिल्डअप होगा. फिर डेरिवेटिव की एक नई अमेंडेड डेफिनेशन आई है, ये लास्ट बार अमेंड हुई थी, पढ़ लेता हूं एक बार. हालांकि कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर याद रखना. इट इज मीन्स अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट टू बी सेटल्ड ऑन फ्यूचर डेट. डेरिवेटिव का एफएम में दिया है, सेटल्ड ऑन फ्यूचर डेट, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम मोर वन और मोर और नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल्स. डिपेंड, नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल भी हो सकते हैं. पर्सन के डेफिनेशन देख चुके हैं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं, ठीक है. अब यहां पे क्लॉज ए बोला गया है और इसके अंदर एग्जांपल और ये फर्स्ट लिंब सेकंड लिंब जो है ये आईसीएआई का पार्ट है, ठीक है. ये आईसीएआई का पार्ट है तो इसके साइड में लिख के रखना होमवर्क. ये मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन करके ऑलरेडी आपको दे दिया है, लेकिन इसको होमवर्क मानना, क्लियर है. इसको आपने खुद ने पढ़ना है. सेकंड लिंब और थर्ड लिंब जो भी है इसको आपने खुद ने पढ़ना है, ठीक है. इसके अंदर जो जो मैंने एक्सप्लेन किया है सब आएगा, ये आपको एक बार सिर्फ रीड करना है. ऊपर से ये जो आईसीआई ने एग्जाम्पल दिए है, ये सभी एग्जाम्पल भी होमवर्क है. ये आईसीआई के एग्जाम्पल है, मेरे एग्जाम्पल नहीं है, तो ये आपको रीड करना जरूरी है. कंसेप्ट समझ में? इसमें भी एक आईसीआई का ऐसा एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ, जहां वो लेस देन 182 डेज रहता है, ठीक है, मोर देन 182 डेज रहता है, लेकिन उसको पीआरओआई बोला गया है. ये आपको ढूंढना, एक बार मैं देखता हूं, होल्ड. ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना, मैं इसको सिर्फ बताता हूं कौन सा वाला कंटेंट है, मैंने मार्क करके रखा था. जस्ट वन सेकंड होल्ड. मिस्टर ए वाला सवाल है, देखो यही सवाल शायद होगा. 16, 15, 16. हाँ देखो, मिस्टर ए वाला सवाल है. ए हैज रिसाइडिंग इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर. ये मॉड्यूल वाला है, मेरा नहीं है ये कारस्थान, ठीक है. ये मॉड्यूल वाला है, इसको चेक करना. मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं, बाद में इसके ऊपर मेरे को कोई क्वेरी नहीं पूछना, मैं इसकी कोई क्वेरी एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है. नहीं तो सब लोग क्वेरी पूछते हैं. मॉड्यूल वाला सवाल है, मेरी गलती नहीं है, मैं इसको करेक्ट करके अभी दे रहा हूं. मिस्टर ए हैड रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 15-16 फॉर लेस देन 182 डेज. लेस देन 182 खुद ही ने बोल दिया. ही केम टू इंडिया अगेन ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के लिए वापस आया, बोले. व्हाट वुड बी रेसिडेंस स्टेटस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 2016-17. अब एक्चुअली लेस देन 182 डेज है तो सवाल पूछना ही चाहिए, ऑब्वियसली स्टेटस पीआरओआई हो जाएगा. लेकिन एंड में देखो इन्होंने यहां का क्या बोल के रखा है, ही विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल. नशे करके बैठे हैं ये लोग. फिर बोलते हैं बच्चों के मार्क्स नहीं देंगे, ऊपर से बच्चों की आंसर शीट गलत चेक करेंगे, ऊपर से आंसर्स गलत देंगे. बच्चे ने जाना तो कहां जाना, तो यहां आंसर चेक कर लो, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड कर लो, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड. और मॉड्यूल में भी चेंज करना, और कोई मॉड्यूल से अगर पढ़ रहा है तो इसकी क्वेरी बिल्कुल मत पूछना, मेरे से रिप्लाई नहीं आएगा, मैंने यहां करेक्ट करवा दिया है, ठीक है. बचे हुए आंसर्स आई गेस सही है, जैसे यहां पे लिखा है कि लेस देन, फॉर लेस देन 182 डेज मिस्टर एक्स के केस में लिखा है, तो यहां पर पर्सन ही वुड बी कंसिडर्ड एज, अगेन देखो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर. सस्ते करके नशे करके बैठे है, नॉट कर देना यहां पे भी, ठीक है. नीचे के भी आंसर चेक कर लो और सब लॉजिकली चेंज कर दो, बिकॉज मेरे को इंस्टीट्यूट पे भरोसा नहीं है, मेरे को एग्जांपल देने पड़े, इसलिए मैंने यहां पे देके रखे हैं. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये आपके काम में आएगा हर चीज, ठीक है. तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है. सो
इसके बाद में ये वाली चीज हो चुकी है, ये वाले भी हमारे केसेस हो चुके हैं। स्पेशल केसेस, सिटीजनशिप इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग, मैंने पहले ही बोल दिया था। एयर होस्टेस वाला एग्जाम्पल मैंने यहां एंटरटेन कर लिया, उसके बाद में लेओवर अनसर्टन पीरियड वाला एग्जाम्पल हमने यहां पे कवर कर लिया। आर्टिफिशियल पर्सन आपने आपके बुक में मार्क किया होगा, एजुकेशन हो गया है, ये बॉम्बस भी हमने सॉल्व कर लिए है और इसके ऑप्शन मार्क कर लिए। अगला डेफिनेशन रिपेट्रिएट टू इंडिया, ये हम अभी नहीं लेंगे, ये हम रिपेट्रिएशन रूल्स में लेंगे, रिपेट्रिएशन रूल्स में हम लेंगे, वहां पे ये रिपीट होगा, तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आराम से होगा। फिर ट्रांसफर वाला है, उसको पढ़ लेते हैं। इंक्लूड सेल, मतलब कोई भी ट्रांसफर में क्या क्या आता है, सेल, परचेज, एक्सचेंज, मॉर्गेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, राइट, टाइटल और पोजिशन और लीन, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। यहां पर फेमा के सभी डेफिनेशन आपके होते हैं खत्म, क्लियर है। अब बड़े अच्छे से ध्यान देना, सर आपने ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजें छोड़िए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए, सब चीजें छोड़ के। सर आप बोले दो रिवीजन करवाओगे, कब करवाओगे, अभी तक तो डेमो ही चल रहा था, इसलिए रुकिए, एक और दो लेक्चर जाने दीजिए, जब रिवीजन है आएगा और करना भी है, और उसमें ज्यादा वर्क आपको करना है मुझसे ज्यादा, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर बिठाने का काम मैं कर सकता हूं, लेकिन वहां रहने का काम तो आपको करना पड़ेगा, रखने का। साथ में सोल बुक का भी हम कंसेप्ट बोल रहे थे कि सॉइल इज फर्टाइल, फ्लावर्स विल ब्लॉसम, कब सॉइल फर्टाइल होगी सर, तो आई विल टेल यू बच्चों, कल का लेक्चर हमारा सोल बुक का लेक्चर है, हम फेमा को बीच में ब्रेक देने वाले हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी हैविंग अ लेक्चर ऑफ द सोल बुक। और सोल बुक का जब आप ये लेक्चर देखोगे तो आपको कुछ इंप्रूवमेंट हो लाइफ में, इसलिए लास्ट टाइम मैं सोल बुक इंप्लीमेंट करने गया था 70-80% ही इंप्लीमेंट हुआ, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, बट दिस बैच आई विल इंप्लीमेंट इट वेरी प्रॉपरली, सो प्लीज फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन। सोल बुक का लेक्चर कल मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक लेक्चर टेंटेटिवली इसके ऊपर होगा, और याद रखना हर 7 दिन बाद आपको एक टास्क आएगा जो मैंने मेरे लाइफ से सीखा है, लाइफ ने जिस तरीके से मुझे मारा है, ऐसा ऐसा मारा है कि कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है वो भी नहीं समझ में आता था, तो उसके ऊपर से मैंने सीखा है कि कुछ चीज़ों में आपको टफ बनना जरूरी है। दो चीजें होती है, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं तो कंपल्शन में आप बिहेव कर सकते हो या चॉइस में आप बिहेव कर सकते हो। ह्यूमन इज अ हाईएस्ट इवॉल्व्ड एनिमल, और इस अर्थ पे ह्यूमन हाईएस्ट इवॉल्व्ड एनिमल क्यों है, क्योंकि वी हैव अ ऑप्शन, वी हैव अ चॉइस ऑफ चॉइस, वी हैव अ चॉइस ऑफ चूजिंग, वी हैव ऑप्शन ऑफ चूजिंग। किसी भी दूसरे एनिमल के पास चूजिंग का ऑप्शन नहीं होता है। मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जब आए तो मेरे पास चूज करने का ऑप्शन नहीं था, मेरे को कंपल्सरीली उस तरीके से बिहेव करना पड़ा, और उससे मैं ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं ले पाया, मैं ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं ले पाया, कई बार मिट्टी खाई, एक ही प्रॉब्लम में कई बार गिरा, कई बार एक ही प्रॉब्लम को फेस किया, और मैं नहीं चाहता आपके साथ हो। जब कोई प्रॉब्लम आता है और आप खुद के चॉइस से उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो, नॉट बाय कंपल्शन आप बिहेव करते हो, बाय चॉइस आप बिहेव करते हो, तो एक्सपीरियंस भी रिच आता है और सेम प्रॉब्लम में आपस वापस फंसते भी नहीं, और फंसते भी हो तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉट अ कंपल्शन, आप स्मूथली उससे निकल जाओगे लाइक अ केक वॉक। कल से हम एक प्रोसेस शुरू करेंगे जो आपके लाइफ में चेंज लाएगा। जो लोग समझते हैं कि इन चीजों से उनका टाइम पास होता है, कोई नो ऑफेंस, बट सच में मेरी दिल से इच्छा है कि अगर आपको लगता है कि इन चीजों से आपका टाइम पास होगा तो कल का लेक्चर ना देखिए, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, तो ना देखिए, और ना ही आप उसके बाद के लेक्चर के, हर लेक्चर के लास्ट 15 मिनट आप ना देखिए, आपका समय बर्बाद करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। पर जिनको ये लग रहा है सर ये फालतू चीज़ कर रहे हैं, मैं उनको बोल दूँ, हर बंदा जिनको ये लग रहा है कि सर फालतू चीज़ कर रहे हैं इसकी क्या जरूरत है, तो बेटा हर बंदा आपके जैसा स्ट्रांग नहीं होता, हर बंदा आपके जैसा डिटरमिंड नहीं होता, और जिस तरीके से हम आज की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं हम सब लोग, लोग वीक होते जा रहे हैं डे बाय डे, स्ट्रांग नहीं होते जा रहे। मैं देखता हूं देर इज अ डिफरेंस बिटवीन, जब हम पढ़ते थे हमें अमेंडमेंट नाम का वर्ड तक नहीं पता था, हमारा टीचर अमेंडमेंट लेक्चर लेता भी नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट बुक से पढ़ते थे, और ब्लैक एंड व्हाइट बुक से पढ़ के ही पास हुए, वो भी अलग अलग बुक्स में से एक एक चैप्टर जेरोक्स करके बंडल करके पास हुए। आज के डेट में आपके पास कलर नोट्स अवेलेबल है, टीचर वन डे रिविजन देता है, अमेंडमेंट लेक्चर देता है, 4 कलर नोट्स देता है, क्वेश्चन एयर अलग से देता है, हमारे पास क्वेश्चन एयर तक नहीं था, इंस्टीट्यूट का पीएम तक नहीं था, तभी भी हम पास हुए हैं। इतनी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है, फिर भी बच्चा रोता है। रोता इसलिए नहीं है
रोता है इसलिए क्योंकि सॉइल फर्टाइल नहीं है, बच्चा डिटरमेंट नहीं है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि वो बहुत डिटरमेंट है, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, ना देखिए, बिल्कुल ना देखिए। मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता, आप ऑलरेडी डिटरमेंट हो और आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो, पर आपके जैसा हर बच्चा नहीं होता। मुझे एज ए टीचर सब बच्चों का ख्याल रखना ज़रूरी है, हर एक को बेनिफिट हो, ये मेरी यहाँ इच्छा है। तो जिनको लगता है टाइम पास होगा वो कल का लेक्चर ना देखिए प्लीज़, और उसके बाद भी जितने लेक्चर्स होते हैं उसके लास्ट 15 मिनट्स ना देखिए, क्योंकि उसमें हम कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट की प्रोसेस करेंगे। हाँ, जिनको लगता है कि उनके लाइफ में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, पढ़ाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, लाइफ के डिसीजंस में अच्छे से ले सकूँ, जिनको लगता है कि ये उन्होंने करना चाहिए, वो प्लीज़ कल का लेक्चर देखिए, उनके लिए बहुत हेल्प करेगा, आई होप सो। सो कल का लेक्चर हमारा सोल बुक का लेक्चर होगा, हम उसके अंदर बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस बार हम बहुत ताकत से इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जिससे आपके लाइफ में कोई बहुत अच्छा चेंज आ जाए। दिस इज जस्ट माई होप वी विल डू दिस। रही बात रिविजन्स की, सर एक दो रिविजन करवाने वाले थे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है। आप यकीन नहीं करोगे इस लेवल पर हम इस बैच को लेके जाएंगे, और ये मेरा प्रॉमिस है, एंड आई होप सो कि हम ये कंप्लीट करेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, कल का लेक्चर देखिए, देन धीरे धीरे एक एक चीज़ अनफोल्ड होती जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टुडे। कल हम डेफिनेशंस का एग्जाम, मतलब कल हम तो ये ले रहे हैं सोल बुक, उसके बाद के लेक्चर में हम फेमा कंटिन्यू करेंगे। सो कल का लेक्चर फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम सोल बुक कवर करेंगे, फिफ्थ लेक्चर में हम फेमा शुरू कर देंगे वापस से, और हम फेमा के क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे इमिडिएटली फिफ्थ लेक्चर में। मॉड्यूल में क्या क्या लिखा है ये भी हम चेक कर लेंगे कि आपको मॉड्यूल वापस ओपन करने की जरूरत ना पड़े। दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।